ए एस आचार्य जी, आचार्य आप स्टार्ट कीजिए। बहुत लोगों के कुछ प्रश्न थे राजेश्वर जी, तो पहले प्रश्न लेते हैं गुरुकुल के बारे में, या मैं सीधा शुरू करूं गुरुकुल के बारे में? आप कहिए, प्रश्न लेना है तो वन बाय वन गुरुकुल के विषय के जो प्रश्न है वो ले सकते हैं, या तो मैं शुरू कर सकता हूँ, आप कहिए क्या करेंगे? लास्ट आधा घंटा प्रश्न ले लेंगे, थोड़ा लेट होने से भी हम लोग जिज्ञासु है उनका प्रश्न अच्छा अटेंड अच्छा करेंगे। अच्छा जी, तो बहुत लोगों को जैसे जानने की जिज्ञासा होती है, इसलिए ये है कि भाई जैसे संस्कृत का वर्ग है, तो इस तरह के भारत में बहुत सारे ऐसे विषय है जो शायद ही व्यक्ति को जीवन में पता चलता, शायद ही वो उसके बारे में जान सकता है कि ऐसा भी कोई विषय है, ये भी जीवन है कुछ। तो मुख्यतः से गुरुकुल का एक शब्द में कोई परिणाम कहना हो, गुरुकुल क्यों काम कर रहा है, तो कोई परिणाम कहना हो, रोजगार वो गुरुकुल का कोई लक्ष्य नहीं, वो तो बाई प्रोडक्ट है। वो तो पशु भी अपना रोजगार कर लेते हैं, पक्षी भी कर लेते हैं, मनुष्य है डेफिनेटली मजदूरी कर लेते हैं, बौद्धिक व्यक्ति अपनी बुद्धि से कुछ कर लेता है, तो वो बाई प्रोडक्ट है। लेकिन जो मुख्य गुरु की कुल का लक्ष्य है, बच्चे को क्यों बिठाना है, तो उसके लिए है पंच कोश का विकास। पांचों कोश विकसित हो तो संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास कहा जाता है, और वो मन, वो बुद्धि, वो आत्म तत्व वो अगले जन्म में भी साथ में लेकर जाता है, तो ये जन्मों जन्मों तक उसको काम आता है। ये शिक्षा ऐसी है जो इस जन्म में तो काम आएगी, लेकिन अगले जन्म में भी काम आएगी। आप समझ गए होंगे कि इस जन्म में तो काम आएगी, इस जन्म में तो उपयोगी है, लेकिन अगले जन्म में भी वो उपयोगी होती है, और अगले 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 जन्मों में भी उपयोगी होती है। उसके लिए ऋषि मुनियों ने पंच कोश के विकास की बात कही। इसलिए शिक्षा का गुरुकुल के संबंधित एक उपनिषद है तैतरीय उपनिषद, और तैतरीय उपनिषद में ये बात पूरी की पूरी शिक्षा की बात बताई है, वहीं पर वो पंच कोश के विकास की बात बताई। पांच कोश का विकास कैसे होता है, किस किस तरह से होता है, उसमें गुरुकुल का संबंध क्या होता है, तो उसमें खास करके जब विद्यार्थी प्रवेश लेता है तो उसका प्राणमय कोश उसका डेवलप होता है, वो कोश को देखकर शिक्षा दी जाती है। अभी ऐसा नहीं है कि सबको एक ही शिक्षा है, सबको एक ही शिक्षा है, तो कोश डेवलप करने के लिए पंच कोश में से प्राणमय कोश को डेवलप करने के लिए कौन सा कैसा वातावरण चाहिए, उस तरह का वातावरण गुरुकुल में देने का प्रयत्न करते। गुरुकुल एक बहुत गहरी विचारधारा है, लेकिन व्यक्ति ने उसको बहुत ही ऊपर के तर से लिया है, या तो भाव से जुड़ गए हैं, या आवेश में जुड़ जाते हैं लोग, या फिर कोई मतलब किसी के व्याख्यान सुनकर, काफी नहीं है ये, उसके ऊपर बहुत बड़ी सोच है, बहुत गहरी सोच है, और यदि हम आज उसको बराबर प्रतिपादित करेंगे तो भविष्य में गुरुकुल शिक्षा वो आएगी ही अवश्य, ऐसा हमारा विचार है। राजेश्वर राव जी ने अभी इतना बताया कि केवल 100 लोग गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था के बारे में सुन रहे हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो काम करना चाहते हैं लेकिन उसको पता नहीं चलता है गुरुकुल शिक्षा। हम लोग वहां तक पहुंचेंगे, बहुत लोग हैं, और जब अंग्रेज भी यहाँ पर आए थे बहुत कम थे, और उन्होंने बहुत कुछ किया। जैसे पूरे के पूरे अंग्रेज आए तो उस समय भारत की बस्ती कुछ 35-40 करोड़ के आसपास होगी, उस समय वो 1 लाख लोग आए, मतलब पूरी की पूरी यदि उसकी टीम मिलाई जाए, पूरे के पूरे गिनती की जाए, तो कभी भी वो 1 लाख से ज्यादा नहीं हुए, सैनिक भी आ गए। 1 लाख लोग 50 करोड़ के, 40 करोड़ के ऊपर राज करते, एक क्यों? क्योंकि वैचारिक रूप से ही गुलामी आती है, वैचारिक रूप से ही आजादी आती है, वैचारिक रूप से ही व्यक्ति बदलता है, वैचारिक रूप से ही कुछ भी सृजन होता है, वो उसमें संख्या बल का बहुत महत्व नहीं रहता है। हम संख्या बल तो कम से कम जो चाहिए मिनिमम फोरम, कि हमारे लिए कुछ हमारे बच्चों को देने के लिए या हमारे लिए कुछ आवश्यक है,
तो वो हम अवश्य ही करेंगे, लेकिन इतनी बड़ी व्यवस्था को बचाने के लिए ये पेड़ी तो प्रयत्न ही करना पड़ेगा, फल इस पेड़ी में नहीं मिलेगा, ये पक्की बात है। हम अगली पीढ़ी के लिए गुरुकुल शिक्षा अच्छी तरह से तैयार करके जाए, व्यवस्थित करके जाए, ताकि अगली पीढ़ी उसके ऊपर बहुत अच्छा कार्य कर सके। उसमें बहुत सारी समस्याएं हैं, वो भी आप समझते हैं कि हमारे ही लोग बहुत सारे विचारधाराओं में विपरीत है, जो गुरुकुल की विपरीत विचारधारा कही जाती है, जैसे जातिवाद हो गया, ज्ञातिवाद हो गया, पक्षवाद हो गया, दूसरा एक वाद अभी प्रादेशिक वाद आया है, कोई गुजराती कह रहा है, कोई मराठी अपने आप को है, कोई कुछ है, कोई कन्नड़ है, तो ये प्रादेशिक वाद भी खतरनाक, ये भी खराब है। वो व्यक्ति को भारतीयता से ही पहचान को काफी है, तो वो एक संस्कृति को गुरुकुल के बेस में जो व्यापक विचारधारा को देती है। अब ये समझना है कि हमारा जो संस्कृति गुरुकुल है वो, और दूसरे गुरुकुल में भी बहुत ये फर्क होता है कि बहुत जगह पर आज भी ये चल रहा है कि वो कास्टिज्म है, वहां पर भी बहुत प्रकार के कास्ट देखे जाते हैं, वो लेते हैं, उसको नहीं लेते हैं, उसको छोड़ देते हैं, कुछ कुछ ऐसा मानते हैं कि भाई इसको नहीं पढ़ाना, उसको पढ़ाना, इस तरह का। तो आज ये समस्या है कि एक गुरुकुल भी सभी एक विचारधारा, तो उसको गुरुकुल सिस्टम क्या थी, किस तरह की थी, दस्तावेजीकरण कैसा था, धर्मपाल जी ने बहुत कुछ उसके ऊपर लिखा है, राजीव दीक्षित जी ने भी वीडियो पर बताया है, बहुत कुछ लेखकों ने भी लिखा है। वो समझ कर कि पहले कैसी मध्यकालीन व्यवस्था नहीं, पूर्वकालीन व्यवस्था कैसी थी भारत की, एक्चुअल गुरुकुल सिस्टम जब 96% 98% जब भारत में साक्षरता थी, तो शिक्षण का स्तर इतना ऊपर गया था, तो स्त्री नहीं पढ़ती थी क्या, तो फिर दूसरे और लोग नहीं पढ़ते थे क्या, तो ये थोड़ी थोड़ी भ्रांतियां होती है गुरुकुल एंड मिथ्स, उसके ऊपर हम एक प्रवचन रखने वाले कि गुरुकुल और भ्रांतियां किस तरह की है और उसको हम किस तरह से दूर करेंगे, क्योंकि जब हमको बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देनी है तो ये सभी विचार करके ही शिक्षा देनी है, मात्र डर से नहीं देनी। आज सब लोग क्यों अपने बेटे को शिक्षा दे रहे हैं पता है, डर, आपको पता है कि गब्बर सिंह का जैसे डर एक बैठ गया था, हमने देखा है सोले, तो गब्बर सिंह का जैसे गब्बर आया तो डर था, उस तरह से अभी क्या है कि अच्छा अभी अभी शिक्षा नहीं दिलाएंगे तो क्या, तो डिग्री नहीं मिलेगी, तो नौकरी का क्या, तो गवर्नमेंट में नहीं आएगा, तो ओ नहीं होगा, तो ओ नहीं होगा, तो लड़की उसको पास नहीं करेगी यदि ग्रेजुएट नहीं है, तो किसी तरह से उसको डिग्री के लिए भयभीत होकर उससे मिलेगा क्या, इसलिए कोई शिक्षा नहीं देता है, कोई शिक्षा देने के लिए इसलिए स्कूल में भेजता ही नहीं है कि उसको जीवन सीखने को मिले, उसको बहुत अच्छा कुछ व्यक्तित्व उसका निखर जाए, इसलिए उसको पता है ऐसा कुछ होने ही वाला नहीं है। बस यही है कि वो यदि नहीं रहेगा, मतलब शिक्षा नहीं लेगा, तो उसका आगे क्या हो, मतलब इन द सेंस के एक डर है कि आगे क्या होगा, अर्थात डिग्री नहीं मिलेगी तो क्या हो? और उसका हमने प्रामाणिक रूप से खंडन किया है कि हमने वर्तमान पत्रों में ही इतना आता है कि आज भारत में कितनी शिक्षित बेरोजगारी है, आज कितने शिक्षितों में अयोग्य व्यक्ति है, मतलब 50% से ज्यादा अयोग्य व्यक्ति है उस फील्ड के, इंजीनियरिंग किया है लेकिन इंजीनियर का ही अयोग्य व्यक्ति है, तो बहुत सारे ऐसे पेपर में वस्तुआ, तब हम देखते हैं कि मेकोले शिक्षा वस्तुगतिया गुरुकुल शिक्षा के आगे तो कुछ नहीं है। तो भी हमको यदि यहाँ पर प्रयत्न करना है गुरुकुल शिक्षा को टिकाने के लिए, जो ये सदी का सबसे बड़ा एफर्ट, सबसे बड़ा प्रयत्न कहा जाएगा, तो गुरुकुल शिक्षा जैसे मूल में पानी देने से पूरे वृक्ष में पहुंच जाता है, फिर एक 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 पत्ते को देने को नहीं जाना पड़ता है, गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था ऐसी है कि अभी आगे आने वाली पीढ़ी में आपने संस्कार कर दिया तो मंदिर तो वो कर देगा, गौशाला वो भर देगा, वो बहुत कुछ कर सकता है, अनंत संभावनाएं है बच्चों को। हम करने जाएंगे तो हमारी लिमिटेशन है, क्योंकि हमको गुरुकुल शिक्षा हमने पाई नहीं, हमारी लिमिटेशन है, हमारे पास कुछ प्रतिपादन करने के लिए इतना ज्ञान, इतनी विद्या, इतनी शक्ति नहीं है, लेकिन आगे आने वाले बच्चे बड़े प्रमाण में तैयार होंगे तो वो बहुत कुछ कर पाएंगे, अनंत संभावनाएं उसके पास है, तो उसको रखकर गुरुकुल शिक्षा उसको दी जाए, योग्य बच्चों को, थोड़े बच्चों को गुरुकुल शिक्षा दी जाए, और उसके पास यदि बुद्धि हो, उसके पास यदि सृजनात्मक शक्ति हो, तो
गुरुकुल शिक्षा की बहुत बड़ी सेवा ये सदी में हो सकती है और ये सबसे बड़ी सेवा है। तो ये अवश्य ही हम प्रयत्न कर रहे, बहुत पुण्य का काम है ये, क्योंकि गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था आपको पता है कि बहुत बड़ी विचारधारा है, बहुत बड़ी सोच। ऐसा वैसा आदमी तो उधर काम नहीं कर सकता है, बिल्कुल जिसके पास सोच जैसी कुछ चीज नहीं है वो नहीं कर सकता है, केवल पैसा लगाने से नहीं हो सकता है। मैंने बड़े बड़े धनिक देखे है जिन्होंने पैसे लगाए है लेकिन उसको कोई नॉलेज नहीं होने से उसको परिणाम नहीं मिलता है। केवल पैसे से होने वाला ये कार्य नहीं, इसमें दिमाग चाहिए, बुद्धि चाहिए, स्ट्रेटेजी चाहिए, इसमें मैनेजमेंट चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, तब गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था खड़ी होती। प्रवचन गुरुकुल के ऊपर रख देना वो बिल्कुल अलग बात है, और गुरुकुल में पढ़ाना, गुरुकुल की परंपरा को निभाना वो बिल्कुल अलग बात है, वो दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो इसलिए हम प्रयत्न करेंगे साथ मिलकर भारत में बच्चे बच्चे को गुरुकुल शिक्षा देने का, जैसे अंग्रेजों ने संकल्प किया था कि भारत में हम लोग ये शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा लेकर ही लाकर ही रहेंगे। उसके लिए 12-12 बजे मीटिंग करते थे वो हाउस ऑफ कॉमन्स में, हाउस ऑफ, और वो लिखा है धर्मपाल जी ने कि 12 बजे मीटिंग में 300-300 लोग होते, 12 बजे मीटिंग है 300 लोग और 150-200 किलोमीटर से आते हैं। और आज हमको दुख लगता है कि एक स्विच से जूम की मीटिंग में जुड़ने के लिए 9 बजे का टाइम होता है और एक जूम की मीटिंग को जुड़ने के लिए व्यक्ति के पास टाइम नहीं होता है गुरुकुल शिक्षा के पास। तो क्या हम भारत में अयोग्य जगह पर तो प्रयत्न नहीं कर रहे हैं ना? वो व्यक्ति 150-200 किलोमीटर से आ रहा है और वो भी वहां पर मीटिंग के लिए, और 3 घंटे वो मीटिंग चलती है, उसमें निश्चित होता है। भारत में इंडियन एजुकेशन एक्ट आया, हमने कहा कि अंग्रेजों लाया लेकिन उसके पीछे विचार किया था उन्होंने, उसके पीछे स्ट्रेटेजी बनाई थी, तो उन्होंने मेहनत की थी ना। तो हम मेहनत किए बिना गाली देते हैं सबको, जैसे किसी का प्रवचन सुन लिया, किसी ने मुसलमान को दी, किसी ने अंग्रेज को दी, हमको बहुत मजा आ जाता है उस दिन, हमको बहुत मजा आता है क्या क्या हो गया, क्यों? क्योंकि मैं कुछ किए बिना बड़ा हो जाता। तो ऐसे व्याख्यान सुनना बहुत पसंद होता है क्योंकि उसमें दूसरे के ऊपर चोट होती है, दूसरा खराब ऐसा होता है, मुसलमान ने ये कर दिया, अंग्रेजों ने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, लेकिन हमने क्या किया? गुरुजी खास बताते थे कि मैं दूसरे पर चोट नहीं करूंगा, आपने क्या किया आप बताओ, आप थे तो आपने ढूंढा गुरु कोई अपने जीवन में, ढूंढा, चलो 3 गलत थे 5 गलत थे नहीं मिला, ठीक है 7 थे नहीं मिला, कोई बात नहीं, आपने ढूंढा अच्छी तरह से। आप कभी पढ़ने को गए आचार्य के पास? आपको कभी आपने ऐसे ऐसा शोक भी अंदर से भावना हुई कि मैं भी कुछ सीखूं, मैं गुरुकुल को जानूं? कितनी बड़ी व्यवस्था भारत में थी, विदेशी लोग यहाँ पर, फाहियान आया, युएसांग आया, महीनों महीने रुके यहाँ पर 6-6 साल, अमुक अमुक का तो है कि वो भारत के एक एक प्रांत को घूमने के लिए भारत में 15-15 साल रुके और 2-2 महीना अपने फूड को चेंज किया रहकर, और यहाँ पर बच्चे को 1-2 महीना रखते, बाद में बोला नहीं पसंद नहीं है बच्चे को तो ले जाते हैं, ठीक है अभी नहीं पढ़ सकता है, कोई बात नहीं। कितना हमारा संकल्प गिर गया है, कोई भी बात में हमारा संकल्प नहीं। वो लोग यहाँ 2 महीने अपना भोजन छोड़कर, अपना मांसाहार छोड़कर वो रह सकते हैं यदि यहाँ पर, क्योंकि ये शिक्षा व्यवस्था इतनी उसको लगती है कि इसमें कुछ है। और ये चीनी सभी प्रवासियों का वर्णन पढ़िए गुरुकुल के पास में क्या लिखा है उन्होंने, वो कितना कितना ज्ञान के लिए वो यहाँ की गुरुकुल शिक्षा से प्रभावित थे। उन्होंने भी अपनी अंग्रेजी शिक्षा रखी, अंग्रेजों ने भी, तो वो भी एक स्ट्रेटेजी बनाई, बहुत सारा विचार किया और बाद में भारत में लागू किया इंडियन एजुकेशन। लेकिन उसके लिए 12-12 बजे मीटिंग करते थे वो लोग, 3-3 घंटे मीटिंग में बैठते थे, और हम केवल उसको गाली, हम कहते हैं कि नहीं उन्होंने बेकार कर दिया, मेकोले ने खराब कर दिया, मेकोले ने पूरा कर दिया, फुल वो कर दिया, लेकिन हमने क्या, हमारे पास एक घंटा नहीं होता है, आधा घंटा नहीं होता है बच्चे को पढ़ाने के लिए समय। हम कहते हैं कि जो गुरुकुल में ना आ सके वो शिविर में आए, तो शिविर में आने का टाइम किसी के पास नहीं होता है, तो ऑनलाइन ज्वाइन करिए, तो ऑनलाइन किसी के पास टाइम नहीं होता है। तो एक ही बात है कि गुरुकुल से भागने का बहाना सबको चाहिए, इसलिए बहाना चाहिए, इसलिए वो कुछ ना कुछ ढूंढता रहता है कि कुछ ये व्यक्ति में से कुछ हमको दोष मिल जाए, हमारा मन ऐसा होता है वो ढूंढने लगता है, कुछ ऐसा मिल जाए ना तो हम स्किप कर लेते हैं, ताकि हम अपने आप को, आत्मा को, हमको गिल्टी फील ना हो और हम अपने आप को, आत्मा को झूठी तसल्ली दे सके कि चलो वो तो खराब था ना,
वो तो ऐसा ऐसा करता था ना, इसलिए हम नहीं गुरुकुल में बिठाए। उधर तो क्या है, बिजली नहीं थी ना, उधर तो क्या था, व्यवस्था नहीं थी, उधर तो क्या था, ऐसा था ना, इसलिए हमने नहीं बिठाया। हम तसल्ली झूठी करते अपने आप को। तो गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था को समझे हम लोग, उसके लिए संकल्पबद्ध हो। हम भी अंग्रेजों ने जो अपनी शिक्षा यहाँ रखी और वो सफल हो गए, बहुत आज स्कूल स्कूल में उनकी शिक्षा हो गई, उनकी भाषा हो गई, उनकी संस्कृति पहुंच गई। क्यों? क्योंकि उनका संकल्प था, उनका प्रयत्न था। इसलिए हम बैठे बैठे कुछ नहीं कर सकते, ये मैं पक्का बताता हूँ, ये बैठकर मैं बताता हूँ कि बैठे बैठे कुछ नहीं होगा, हमको काम करना होगा। उसके लिए अरेक को जोड़ना होगा, रात को जगना होगा, हमको बहुत जगह पर कॉम्प्रोमाइज करना होगा, बहुत बातें हमको अच्छी नहीं लगेगी, हमारे विचारधारा के थोड़ी बहुत विपरीत भी जाएगी, लेकिन हमारा एक ही केंद्र बिंदु होना चाहिए, अगली सदी का गुरु। गुरु जी ने बताया कि मंदिर कितने बांधते हैं, कितने बंधे थे भारत में, गुरुकुल टूट गया, सारे मंदिर टूट गए, कितने जगह पर कितनी व्यवस्थाएं खड़ी थी, एक गुरुकुल टूटा तो सब कुछ पूरा हो गया। क्योंकि ये मनुष्य का निर्माण करने वाली व्यवस्था है, मनुष्य का निर्माण होगा तो वो सारी व्यवस्थाओं का निर्माण हो ही जाएगा, लेकिन मनुष्य यदि टूट गया तो सारी व्यवस्था टूट जाएगी। तो गुरुकुल केंद्र बिंदु है सारी व्यवस्थाओं का। तो ये हम संकल्प ले कि कुछ भी हो हमको गुरुकुल को खड़ा करना है, गुरुकुल की व्यवस्था करना है, वो भी जल्दबाजी में नहीं। बहुत भाग्यशाली है कि हमारे गुरुजी ने इतनी मेहनत की है गुरुकुल शिक्षा के बारे में। एक मैं अंग्रेज की बात करता हूँ, उन्होंने संकल्प लिया था, सामने हमारे गुरुजी ने संकल्प लिया था कि कितना भी हो जाए मैं भूखा क्यों ना मर जाऊं, क्योंकि नौकरी छोड़ दी थी, क्योंकि मुझे ये मैं कॉलेज की शिक्षा को पढ़ाना नहीं है। अब पढ़ाना नहीं है तो खाएंगे कैसे, क्योंकि है नहीं, आमला की रसायन बना पाउडर, उससे जो भी आता था पैसा प्रामाणिक रूप से उसको बेचता है, लूट नहीं, प्रामाणिक रूप से उसको उस टाइम 15 रुपए में, वो जितने भी डब्बे आए उससे उन्होंने गुरुकुल चलाया, 100 डब्बे बेचे 15 रुपए, क्योंकि सरकार से कोई ग्रांट तो आती नहीं थी, अंग्रेजों की तो सरकार थी, इतनी ग्रांटे आती थी, इतनी संपत्ति थी, और दूसरा लूटने का मार्ग खुला था, क्योंकि कहीं से भी लूट लो पूरा देश है। गुरु जी ने एक पैसा, ये बहुत बड़ी महानता की निशानी होती है, एक पैसा गलत किए बिना, किसी का भी हराम का पैसा लिए बिना, किसी को चीट किए बिना, एक भी रुपया लिए बिना, अपने आप को मेहनत की रात दिन, उसमें जरूरत पड़ी पैसा की औसत बनाया, औसत बेचा, औसत बेचकर जो आया अपने लिए नहीं कमाया, वो गुरुकुल के विद्यार्थियों को रखने के लिए, उसकी व्यवस्था के लिए, अच्छे से अच्छी व्यवस्था दे सके, अच्छा अन्न दे सके, अच्छा दूध दे सके, ताकि गुरुकुल का विद्यार्थी कभी भी भिखारी न हो, गुरुकुल के विद्यार्थी को कोई भी प्रकार की डेफिशिएंसी नहीं आनी चाहिए, और वो इतना संकल्पवान होकर पढ़ सके, इसलिए गुरुजी ने मेहनत किया और इतना गुरुकुल व्यवस्था के बारे में सोचा लिखा। और आज दुख होता है कि उसकी कदर करने वाले आज कितने लोग, कितने भारतीय है जो गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था की कदर कर पाते, हमको कितनी कदर है गुरुकुल, हमको लगता है कि हमको कदर है या केवल हमको बोलना है कि कदर है, वो हम अंदर आप अपने आप को पूछे कि गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था के ऊपर हमको आदर है, हमको श्रद्धा है, हमको उसके ऊपर इमोशन है, कुछ भाव है, ये हम अपने आप को पूछे कि ऐसा यदि है तो गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था पर यदि हमारी श्रद्धा है, यदि हमको भाव है, तो अवश्य वो कर्म में दिखना चाहिए कि मैं करूंगा ही, चाहे निष्फल। देखिए शिक्षा का काम, गुरुकुल शिक्षा का जो भी व्यक्ति लेगा वो निष्फल जाएगा, ये पक्की बात है, ये एक बार में सफल होने जैसा नहीं। तो संकल्प ले या इसमें निष्फल भी जाएंगे, क्योंकि कोई भी प्रजा, अंग्रेज भी कितने बार निष्फल गए थे, उसके बाद वो सफल हुए थे, वो सीधे के सीधा चमत्कार नहीं हो गया था, सीधा आ गए और पूरा देश गुलाम हो गया, ऐसा नहीं हुआ था, स्ट्रेटेजिकली प्लानिंग से वो एक एक व्यवस्था पर काम करते गए। उस तरह से हम काम करते हैं गुरुकुल शिक्षा के ऊपर स्ट्रेटेजिकली। तो पहले गुरुकुल व्यवस्था को समझना है, पहली बात माता पिता को, उसको जानकर बच्चे को या तो बिठाना है, नहीं योग्य है कोई और तो स्वीकारना है, तो भी उसको काम तो करना है, दूसरे बच्चों को जोड़ना है, और कुछ काम हो सके गुरुकुल शिक्षा के बारे में तो वो करना है, पहली बात। दूसरी बात, गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था के विषयों को समझना है, कितने कितने विषय है, तो सबसे पहले दर्शन शास्त्र का विषय है हमारे गुरु,
हमारे गुरुकुल में दर्शन शास्त्र का विषय है जो बहुत ही जरूरी होता है बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए। पंच कोश का उसको विकास करना है तो एक एक पदार्थ को समझना पड़ेगा, किसी के कुछ सुनकर, कुछ पढ़कर, ऐसे अनस्ट्रक्चरली पढ़कर, कुछ वहां से पत्रिकाएं पढ़कर, कुछ वहां का पढ़कर, ऐसा नहीं होगा। उसको नियम रूप से संकल्प लेकर उसको पढ़ना पड़ेगा, इसलिए हमने उसका केंद्र बिंदु दर्शन शास्त्र रखा है। भगवान ने गीता में क्या बताया है, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यदतोन्यथा। कृष्ण भगवान ने यह कहा है कि ज्ञान क्या है, ऐसा पूछा गया तो उन्होंने बताया अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शन, तत्व ज्ञान के लिए जो दर्शन शास्त्र है, एतज ज्ञानम इति प्रोक्तम, ये ज्ञान है, बाकी का सब अज्ञान, बाकी का सब इंफॉर्मेशन कह सकते हैं ज्ञान। तो ये दर्शन शास्त्र उसको एक एक विजन देता है जीवन का, और वो विजन से आदमी का पूरा व्यक्तित्व का विकास होता है। ये विकास करने के लिए जो दर्शन शास्त्र है उसकी पढ़ाई हम पहले करवाते हैं। छह दर्शन हमारे कोर्स, छह दर्शन के कुछ कुछ पोर्शन उसको सिखाते, छह दर्शन, ताकि उसके अनेक एंगल उसके खुल जाए, उसकी बुद्धि के द्वार खुल जाए, वो खुद अपना सोच सके कि क्या किस तरह। आज हमारी सोच बच्चों में ज्यादातर, कोई भी बच्चे को देखो देश के बारे में तो छोड़ दीजिए, अपने आप को छोड़कर वो किसके बारे में सोचता है। आज का बच्चा अपने माता पिता के बारे में नहीं सोच सकता है 15 साल का, उस समय में तो श्रवण अपने माता पिता को यात्रा लेकर गया था कितना कन्विंस करके, वो समय का बच्चा मम्मी के बिना दूध नहीं पी सकता है, पापा की फटकार सुनकर 5-5 दिन तक रोता रहता है और बाहर से वो गाली देता है पीछे से। अब ये आज की स्थिति है, आज का युवा की ये स्थिति है कि वो अपने परिवार का, अपना भविष्य नहीं सोच सकता, क्योंकि उसकी सोच संकुचित हो गई है। गुरुकुल इसके ऊपर काम इसलिए करता है कि उसको दर्शन को पढ़ाकर उसको बहुत अच्छा विजन देना है। तो ये हम एक दर्शन शास्त्र को पढ़ाते हैं। बहुत लोगों का प्रश्न था आप क्यों और क्या पढ़ाते हैं, सबसे पहला विषय यहाँ का है दर्शन शास्त्र, और उसको व्यवस्थित रूप से पदार्थों का ज्ञान कि क्या पदार्थ कैसा है, क्या पदार्थ की क्या, वो उसको आयुर्वेद में भी काम आता है, यदि वो आयुर्वेद की दवाई कर, अपने जीवन में भी काम आता है, हर एक क्षेत्र में पदार्थ का ज्ञान काम आता है। जीव जगत और जगदीश, ये तीनों का विचार दर्शन शास्त्र में है। तो व्यक्ति कभी भी, आप देखो आज के शिक्षण ने उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस खड़ा नहीं किया है, कितना भी आदमी पढ़ा लिखा होगा उसके पास कॉन्फिडेंस नहीं, मैं ये कर सकता हूं, मैं ये करूंगा ही चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसा संकल्प नहीं। इसीलिए आप देखिए बड़े से बड़ा आदमी कुछ भी साहस नहीं कर पाता, देश के लिए, संस्कृति के लिए कुछ भी साहस नहीं कर पाता है, वो कंफर्ट जोन छोड़ ही नहीं पाता है। आप देखिए कितने लोगों ने कंफर्ट जोन छोड़ा है, तब हम ये सुन पाते हैं मैंने छोड़ा है, राजेश्वर जी ने, ओ स्वामी ज्योति जी ने, ऐसे बहुत आयोजक है उन्होंने छोड़ा है, तब हम लोग ये कर रहे हैं काम। कोई भी काम करना होगा आपको एक याद रखना है, चाहे उसको गुरुकुल में बच्चों को बिठाना है, चाहे आपको उसको अच्छी शिक्षा देनी है, आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाना चाहिए। कुछ भी हो जाए ये करना है, ये जब तक हम संकल्प नहीं करेंगे तब तक बहाने तो बहुत बनाते ही रहेंगे, बनते ही रहेंगे कि आज ये हो गया, कल ये हो गया, बच्चा का ये है, वो है, वो है, वो नहीं मानते हैं। उसका संकल्प आपका तीव्र कितना है उसके ऊपर ये निर्भर है, इसलिए बालकों का संकल्प पहले हम दृढ़ कराते हैं। वो एक बार गुरुकुल से निकला, वो चाहे कोई भी गुरुकुल हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि संस्कृति गुरुकुल से, गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था से वो निकला, प्रॉपर गुरुकुल होना चाहिए, वो भी मैं दूसरी बार बताता हूँ, आचार्य केंद्रित होगा वो गुरुकुल है, ऐसा गुरुकुल नहीं है कि कोई एक व्यक्ति है वो केवल पगार बांट देता है और 5 अध्यापकों को रख देता है, वो स्कूलिंग सिस्टम ही एक प्रकार की है, नाम गुरुकुल है, लेकिन वो 5 अध्यापक रह गए, वो 5 में से 1 चला गया छुट्टी पर, एक वो क्या पढ़ा रहे वो भी मालूम नहीं है, वो जो पढ़ाने वाला है वो इस पर परतंत्र है जो जानता ही नहीं है, मतलब अज्ञानी के अंडर में ज्ञानी। चाणक्य ने ये बताया है कि कोई भी व्यवस्था तब टिकती ही नहीं है, कभी भी नहीं टिकेगी, जब अज्ञानी के अंडर में ज्ञानी। स्कूलिंग सिस्टम क्या है, अज्ञानी के लोग अंडर में ज्ञानी व्यक्ति है, अज्ञानी ट्रस्टी है,
वो डिसीजन मेकर है और उसके अंडर में टीचर है, वो पढ़ाने वाला है, वो ज्ञानी है, वो किसके अंडर में है, अज्ञानी के अंडर में, गवर्नमेंट उससे भी अज्ञानी है, शिक्षण मंत्री उससे भी अज्ञानी है, उसके अंडर में अज्ञानी, उसके अंडर में ज्ञानी, ज्ञानी छेद लास्ट पटरी पर है, सबसे लास्ट में है वो ज्ञानी है, उसके ऊपर अज्ञानी, उसके ऊपर अज्ञानी, उसके ऊपर वो सब अज्ञानी की फौज, एंड में ज्ञानी, जो कुछ डिसाइड ही नहीं कर पाता है, वो पेपर कोई निकालता है, जांचता कोई है, वो केवल बोल देता है कि ये पास है ये फेल, उसने पास फेल नहीं किया, जिसके पास वो 365 दिन पढ़ रहा है वो पास भी नहीं कर सकता है बच्चे को, फेल भी नहीं कर सकता है, तो पास और फेल कौन करता है, बोर्ड करता है, बोर्ड कौन है, तो कोई ईश्वरी सत्ता जैसा एक तत्व है जो दिखता नहीं है, बोर्ड मतलब दिखता नहीं है मतलब, बराबर, वो उसको फेल करता है जिसने कभी देखा ही नहीं है बच्चे को। मानो कि एक एथिक्स का पेपर नीति का, उसमें सब पढ़ाया जाता है नीति में कि माता की सेवा करना चाहिए, पिता की सेवा करनी चाहिए, वो करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, पूरा वो पेपर हो 3 बजे और 3 बजे वो बालक की माता बीमार हो जाए, तो एथिक्स जो पढ़ा है पूरा साल, बराबर है, उसका प्रैक्टिकल करने का टाइम अभी आया है, 3 बजे वो यदि माता की सेवा करता है 3 से 5-6 बजे तक, उसकी माता को व्यवस्थित कोई नहीं है घर पे, उसको रहने की जरूरत है और वो रहता है और पेपर नहीं दे पाता है, तो आज की एजुकेशन सिस्टम उसको फेल करेगी ना, उसने एथिक्स का पेपर नहीं दिया तो बोर्ड ने उसको फेल कर दिया, बोर्ड ये नहीं देखता है कि ये घर पे माता की सेवा कर रहा था इसलिए वो पहुंच नहीं पाया, इसलिए वो फेल हो गया, तो उसको फेल कर, ये पहुंच नहीं पाया तो फेल कर देते हैं, वस्तुगत है, उसको गोल्ड मेडल मिलना चाहिए भले ही पेपर न दिया हो, लेकिन ये सीधा संपर्क है नहीं उसको, कोई और उसको सर्टिफिकेट देता है पास या फेल करता है और कोई और करता है, और बच्चे ने वो देखा नहीं, उसके बच्चों ने देखा नहीं, तो ये सारी अव्यवस्था है। गुरुकुल व्यवस्था क्या है? गुरुकुल व्यवस्था में ज्ञानी व्यक्ति ज्ञानी की परंपरा खड़ी करता है, ज्ञान से महत्व है व्यक्ति का, इसलिए ज्ञानी होगा, वो ज्ञानी के अंडर में ज्ञानी होंगे, वो ज्ञानी के अंडर में दूसरे ज्ञानी तैयार होंगे, वो बच्चे फिर ज्ञानी बनेंगे, फिर वो आगे परंपरा चलेगी, ये गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था है। तो गुरुकुल से निकला हुआ बालक कम से कम अपने जीवन में हताश निराश नहीं होगा, इसलिए आप देख लीजिए, मैं उदाहरण बताकर पूरा करता हूं। आत्मविश्वास जगाती है शिक्षा, लोग बताते हैं कौन से विषय सिखाते हैं, विषय सीखना दूसरी बात होती है, जीवन को एक आकार देना वो बहुत दूसरी बात होती है। कोई ये नहीं पूछता है कि आप जीवन में उसको क्या कराते हैं, हर एक व्यक्ति ये पूछता है आप क्या करते हैं, आप कौन से विषय है उसका लिस्ट चाहिए, हम लिस्ट भी दे देते हैं और लिखा हुआ है पूरा, बहुत आसान है वो तो सिखाते हैं, लेकिन सिखाना क्यों है, कैसे विषय सिखाना है, उसका एक लॉजिक है कि उसमें आत्मविश्वास बढ़े, वो व्यक्ति तैयार हो, जीवन के संघर्ष का सामना कर सके, अपने जीवन की राह को खुद चुन सके, खुद एथिक्स पर चल सके। आज इतने कैसे गुरुकुल होंगे जो खुद बता सकता है कि मैं एथिक्स पर चला हूं, मैं नीति पर चला हूं, कभी भी अनीति का मैंने कमाया नहीं, कभी भी अनीति मैंने किसी के साथ भी नहीं की है, ऐसा कोई बता सकता है क्या आज के गुरुकुल में? मैं ये पूछता हूँ, संस्कृति गुरुकुलम ये बता सकता है, 50 साल से कोई भी व्यक्ति ऐसा बता दे, एक भी विद्यार्थी यहाँ 25 साल से लेकर 50 साल तक के पढ़ने के लिए आते हैं, एक भी बता दे कि गुरुकुल ने कोई भी हमसे पैसा लिया, गुरुकुल के गुरु जी गए उसके बाद उनके शिष्य चलाए, एक भी बता दे कि हाँ युवाओं को ऐसा दिया कुछ भी, यहाँ पर वो रहते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं नए नई वस्तु, कोई भी ऐसा, ये ऐसे नहीं हो जाता, ये ऐसे सर्टिफिकेट बांटे तो नहीं हो जाते, वो तो पूरा जगत पूरा का पूरा बांट ही रहा है, सर्टिफिकेट का काम तो कर ही रहा है, ये अंदर की भावना से हृदय से काम होता है, ये चीट करने का काम लंबा चलता नहीं है, नहीं होता है, उससे देश खड़ा नहीं होगा, उससे व्यक्ति खड़ा नहीं होता है, ये व्यक्ति खड़ा करने का काम है ये गुरुकुल शिक्षा। इसलिए अहमदाबाद में जब परीक्षा होती है 10th की और 12th की, तो ये सबसे बड़ी नाकामयाबी है शिक्षण की। आप चाहे मेकोले शिक्षा बड़े सब जगह फेल गई हो, वो फेल भी गई है और फेल भी गई है दोनों, मतलब सब जगह बड़े फेल गई हो लेकिन वो फेल भी गई है, मैं बताता हूँ इंग्लिश में है एक वर्ड हिंदी में, वो बड़े सब जगह फेल गई हो मतलब सब जगह चारों तरफ मतलब उसको स्प्रेड हो गई हो, लेकिन वो फेल भी गई है मतलब वो
सक्सेस नहीं, क्या कारण है मैं बताता हूं उसका, कि वो 10th और 12th की एग्जाम होती है तो पुलिस को लगानी पड़ती है रिवर फ्रंट के ऊपर अहमदाबाद, क्यों? क्योंकि उसमें से कोई बच्चे का यदि ऐसा आया कि परसेंटेज बराबर नहीं आए तो वो सुसाइड। गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था थी तब रामायण में, आप एक आदमी को बताइए एक भी सुसाइड नहीं। महाभारत में कितने संघर्ष आए, एक भी व्यक्ति ने सुसाइड नहीं किया, क्योंकि व्यक्ति खड़ा हो जाता था, व्यक्ति में आत्मविश्वास आ जाता था कि मैं कुछ कर सकता हूँ, और वो काम गुरु का है, वो काम गुरुकुल का है। व्यक्ति में, विद्यार्थियों में यदि आत्मविश्वास खड़ा नहीं कर पाता है, वो शिक्षा व्यवस्था बहुत ही टूटी मानी जाती है, ऐसा चाहते। तो गुरुकुल शिक्षा बहुत ही महान है, ये तो मुझे कहना ही, लेकिन उसको अभी हम काम नहीं करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है बातों का। तो इसीलिए हम प्रैक्टिकल काम करेंगे, गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था को कैसे पहुंचाएंगे उसके लिए गुरुजी ने बहुत ही अच्छी कार्य व्यवस्था बताई है, कार्य पद्धति दी है। बाल गुरुकुलम से लेकर संस्कार शाला से लेकर अनेक प्रकार के प्रयोग दिए हैं, तो ये प्रयोग पर यदि हम चलेंगे तो निश्चित हमारी श्रद्धा है, क्योंकि मैं तैयार हुआ वहां पर, मेरे जैसे बहुत युवा तैयार हुए हैं, तो ये श्रद्धा है कि गुरुकुल शिक्षा को फिर से भारत में लाने के लिए कोई नहीं रोक सकता है, बस हमारा प्रयत्न, हमारा आलस्य ही उसको रोक सकता है, बस एक ही है। अब कोई बाहर का शत्रु बहुत बड़े नहीं है, अब हमारे शत्रु अंदर, हमारा आलस्य है, हमारी संकल्प विहीनता है, हमारा डर है कि क्या हो जाएगा, बस क्या हो जाएगा। ये तो गुरु जी ने बताया कि ये डर पहले मेरे पिताजी ने भी पूछा था, इधर पढ़कर क्या होगा मेरे बेटे का, गुरु जी ने बताया ये मैं नहीं कह सकता हूँ, और ये नहीं कोई स्कूल बता सकती, ये नहीं कॉलेज, और जो बताता है वो धोखा करता है। मैं केवल ये बता सकता हूँ ऐसा ऐसा हो सकता है, और कुछ नहीं भी हो सकता है, उसकी भी आपको तैयारी रखनी है। आपको कुछ तो बातें श्रद्धा पर छोड़नी, और ये आप कितनी छोड़ पाते हैं वो आपकी चेतना का स्तर निश्चित करते, आप कितनी बातें श्रद्धा पर छोड़ सकते। तो आपको भी हम ये कहते हैं, हम लोग भी ये विचारते हैं कि हमको भी ऐसा करना है कि कुछ बातें तो श्रद्धा पर छोड़नी, और वो हम कितनी कर पाते हैं, प्रश्न अवश्य करें, अभी भी प्रश्नों का समय है, लेकिन हम समझने का पूरा प्रयत्न करें विदाउट उसको स्किप करने से। अंत में जाकर आपको नहीं अच्छा लगे आप छोड़ दीजिए, लेकिन समझने का प्रयत्न करने के बाद उसको छोड़े, बिना समझने के, बिना समझे, बिना करे ही उसको छोड़ देना वो उचित। तो ये एक लोग कहते हैं कि आज भारत में गुरुकुल कहाँ है, तो मैंने कहा कि आपने ढूंढा कहाँ है। आपको एक चीनी लेनी होती है, आपको एक लिपस्टिक लेनी होती है, तो आप अमेजोन से लेकर फ्लिपकार्ट तक की सारी ऐप छान मार, कोई एक माल लेना होता है वहां पर आपको कम दामों में मिले, तो आप पूरा का पूरा जाकर आते हो, बस 200-200 किलोमीटर। गुरुकुल के बारे में आपने छान मिल है क्या, कुछ प्रवचन सुने क्या किसी के, इतने सारे यूट्यूब में है, कुछ किया क्या, किए भी नहीं वो बोल देते हैं कि कुछ है नहीं अभी, तो क्या क्या काम कहाँ कहाँ हो रहा है वो आपको पता है क्या, कौन कौन कितना कितना काम कर रहा है एक कोने में बैठ करके, वो पता है क्या, बहुत कुछ हो रहा है, वो पॉजिटिव है, भले ही मैं कॉलेज की शिक्षा भी चल रही है बहुत बार, गुरुकुल के बारे में पॉजिटिव भी हो रहा है, वो भी बहुत बड़ा काम हो रहा है, और एक दिन वो अवश्य ही, हमने संकल्प लिया और कार्य किया तो अवश्य ही वो शिक्षा हम बच्चों को देंगे, अगले आने वाली पीढ़ी मिनिमम ज्यादा नहीं 10% तो गुरुकुल शिक्षा लेगी, ऐसी हमारी आकांक्षा है, श्रद्धा है। इतना कहकर मैं पूर्ण करता हूँ। आपको गुरुकुल शिक्षा के बारे में जो जो प्रश्न है वो आप बताइए, विषय एक दर्शन शास्त्र मैंने आज बताया है, ऐसे दूसरे विषय में बताता जाऊंगा, गुरुकुल में कौन से विषय क्यों क्यों पढ़ाए जाते हैं, और हम भी यहाँ पर संस्कृति गुरुकुल में वो विषय पढ़ाते, तो ये बात हुई। अब किसी को कोई प्रश्न है तो बताइए, और सारे 10 विषय हम क्या क्या पढ़ाते हैं उसका सविवरण, सटीक में विवरण करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, तो भी आपको कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। बड़े बच्चों के लिए भी शिविर करने वाले हैं, माता पिता को क्या बच्चों को सिखाना चाहिए उसके बारे में भी हम बताने वाले हैं। ये शिक्षा को ही हम फोकस करने वाले हैं पूरा, कि शिक्षा भारत में अभी समय है, एक समय भारत के पास आया था तब विनोबा जी ने भारत स्वतंत्र होते ही पत्र लिखा था जवाहरलाल नेहरू जी को, और बताया था कि ये
अभी सारी स्कूलें 6 महीने तक बंद की जाए, और जो जो गुरुकुल के विद्वान है जानते हैं, विनोबा भावे जी ने गुरु जी का भी नाम दिया था हमारे गुरु जी का, और उन्होंने बताया था कि वो भी गुरुकुल के ऊपर कार्य कर रहे हैं, और ऐसे में बहुत लोगों को जानता हूं जो गुरुकुल के ऊपर कार्य कर रहे हैं, तो उनको बिठा कर गुरुकुल व्यवस्था का पूरा ड्राफ्टिंग तैयार किया जाए, एक स्ट्रक्चर तैयार किया जाए, और उसके बाद वो लागू किया जाए, तो ये पूरी की पूरी भारत में गुरुकुल शिक्षा हो सकती है, गुरुकुल शिक्षा पे वापस काम हो सकता है। लेकिन वो पत्र कहाँ गया पता नहीं, वो अंतिम एक तक थी, अंतिम एक अवसर था, वो निकल गया नेहरू जी से, और उसके बाद भारत की क्या स्थिति हो गई आज हमको पता है। आज अच्छा आदमी भारत में, इतने बड़े महान देश में मिलना कठिन हो गया। आज एथिक्स पर चलने वाला, नैतिक नीतिमत्ता वाला व्यक्ति आज ढूंढना मुश्किल हो गया। ये मेरे को ले शिक्षा का प्रभाव। आओ, हर एक घर पे कृतघ्नी व्यक्ति है आज, अपने माता पिता को केयर नहीं करने वाला, अपने माता पिता को कृतघ्नी नहीं रहने वाला, गुरु के प्रति कृतघ्नी नहीं रहने वाला, ऐसे व्यक्तियों की फौज तैयार हो। तो आज गांव देखो, शहर देखो, सभी जगह पर पूरा का पूरा स्वार्थ, सभी जगह पर पूरे की पूरी मतांधता, सभी जगह पर इतनी अंधश्रद्धा, सभी जगह पर इतनी गतानुगतिकता आज ये भारत में देखने को मिलती है। तो हमको लगता है कि पहले जो इतिहास में हम भारत को पढ़ते हैं वो भारत सही भारत, या अभी देख रहे हैं जो स्थिति वो भारत सही भारत, कैसे हम कह सकते हैं मेरा वर्तमान, कैसे हिंदू का राष्ट्र कह सकते हैं, ये सारी तो बातें केवल बोलने की होती है। बाकी गाड़ी में घूम कर, एसी गाड़ी लगा कर, उसके बाद ऊपर लाइट लगा कर बाद में हिंदुत्व का प्रचार तो बहुत आसान होता है, वो तो सब कर ही रहे हैं, लेकिन जब उसका दूसरा मुख भी होता है, जब हम उसको मिलते हैं, जीवन को देखते हैं, तो वो हमको लगता है कि नहीं नहीं ये दोनों अलग अलग है, दोनों को एक करने के लिए गुरुकुल शिक्षा चाहिए, तो पूरा का पूरा राष्ट्र की सबसे बड़ी शिक्षा ये सेवा होगी। तो इसलिए गुरुकुल शिक्षा को हम पहले स्टेप है समझेंगे, उसको जो नहीं समझ में आएगा वो हम प्रयत्न करेंगे समझाने को। तो ये गुरुकुल शिक्षा है, पहले मिथ्स को निकाल। बहुत सारी मिथ्स हमारे मन में होती है, हमारे हमारे प्रश्न पूछते हैं हमको, कौन सी जाति के लड़कों को लेते हैं, कितनी जाति के क्या क्या, तो ये आपको मतदान थोड़ा करना है। यहाँ जाति नहीं देखी जाती, हम बार बार कहते हैं, उसकी बात ही नहीं की जाती है कौन सी जाति के है। ये ओरिजिनल गुरुकुल की विचारधारा है, उसमें हम कोई फॉर्म में कहीं पर भी जाति का, हमने कोई भी प्रकरण, कोई भी एक एक कोई भी खाना उसको क्या कहते हैं, कोई भी ये रखा ही नहीं है, कोई भी लाइन नहीं रखी है कि आप कौन सी, उससे हमको मतलब नहीं है व्यर्थ की बातों से, और वो आप भी न रखे व्यर्थ की बातों से मतलब, आप भी सार्थक बात है गुरुकुल की, इतनी विद्या है, इतना ज्ञान है, वही आप देखिए। तो ये एक है, क्योंकि बच्चों को ये पूरा वारसता देना है, इसीलिए बहुत बड़ी सोच रखकर हम चल रहे हैं। हम चिल्ला चालू विचार करते, किसी को अनुसरण करते कोई संप्रदाय विशेष का, तो वो बहुत लोगों को हम स्वीकार नहीं कर पाते, इसलिए हमको पूरा का पूरा स्वीकार करना है सबको। इसीलिए पूरे के पूरे, यहाँ नहीं कोई जाति है, नहीं कोई संप्रदाय है, नहीं कोई वाद है, नहीं कोई प्रदेशवाद कि गुजरात है तो चलो गुजराती को लेते होंगे, ऐसा कुछ नहीं, ये इसको हम मानते ही नहीं है। पूरा भारत एक है, और उसको गुरुकुल शिक्षा होने पर वो पूरे भारत को वापस एक बनाना है, और एक ही मुझे रास्ता दिखता है। और वो सालों से गुरुजी ने अर्थशास्त्र के ऊपर टीका लगकर भी एक रास्ता है, बच्चों को गुरुकुल शिक्षा देना है, थोड़ी तो थोड़ी अभी उसको गुरुकुल की शिक्षा का अवश्य ही परिचय करा। कोई आवाज आ रही है राजेश्वर जी, किसी को म्यूट कर दीजिए। हेलो हेलो, हाँ आप म्यूट रखिए भैया, और कोई किसी की आवाज आ रही है। अच्छा जी, हेलो, क्वेश्चन क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हाँ हाँ नहीं, किसी की आवाज आ रही है, आप पहले म्यूट कर दीजिए उनको, कौन है वो म्यूट करिए उनको। हाँ म्यूट हो गया है, अभी म्यूट हो गया है, चलिए। हाँ ठीक है, हाँ प्रश्न बताइए। हमारे आप म्यूट कर दीजिए 1 मिनट कोई, और हाँ प्रश्न पूछिए। नंबर हाँ हेलो, हैंड रेज कीजिए, हैंड रेज कीजिए शिवकर, हाँ एक को ही अब हम लोग मौका देंगे, नहीं तो। मैंने राइडर बंदी है? को देखा है, कुछ सकते आपसे आवाज नहीं आ रही भैया, आपको सुनाई दे रहे राजेश्वर राव जी?
मैंने शिव प्रसाद जी का भी सिग्नल ओके अभी नमस्कार आप क्वेश्चन पूछिए आ क्वेश्चन पूछिए मोटी उम्र प्रवेश मड़े गुरुकुल में पहले बड़ी उम्र के लोग प्रवेश ले सकते हैं ऐसा उनका प्रश्न है हेलो बड़ी उम्र के लोग मतलब एक व्यवस्था आप दूसरे म्यूट कर दीजिए बस प्रश्न पूछ के आप तुरंत म्यूट कर दीजिए हेलो किसी का आवाज बहुत आ रही है हेलो हाँ आपको सुनाई दे रहा है ना हाँ जी जी गुरु जी जी अब बड़ों के लिए एक व्यवस्था है जो वानप्रस्थी होकर यहाँ पर सेवा देना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर व्यवस्था है वो पहले सीखेंगे उसके बाद जो उनको आता है वो बालकों को सिखाएंगे ऐसी वानप्रस्थि के लिए व्यवस्था है आपकी उम्र क्या है अभी हाँ ठीक है भैया आपकी उम्र क्या है जो उन्होंने प्रश्न पूछा था उनको मैं पूछ रहा हूँ ये एक और बार हैंड रेस कर रहा हूँ उसका प्रश्न ले ले आप बोलिए 35 ओके मतलब युवा है आप अभी हाँ मैं अभी शिक्षक हूँ प्राथमिक शाला में हाँ तो प्राथमिक शाला में आप शिक्षक है तो आप तो वहीं पर रहते होंगे मतलब बराबर है तो इसके लिए तो वेकेशन की ही व्यवस्था होती है वेकेशन में जो शिविर होती है जब आपका वेकेशन होता है स्कूल वगैरह का तो इस समय हम शिक्षकों की या और जो उसके साधक गण की हम शिविर करते हैं उसमें आप आ सकते हैं उसकी शिविर 15 दिन 20 दिन 1 महीना रहती है तो उसमें आप आ सकते हैं लॉकडाउन की वजह से अभी नहीं हुई थी लेकिन वो अभी इस बार शायद हो जाएगी तो वेकेशन में हम 7 दिन की 15 दिन की एक मतलब महीने की शिविर करेंगे उसमें आप आ सकते हैं बाकी फुल टाइम के लिए वानप्रस्थी आ सकते हैं जी 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 तो आप शिविर में अवश्य ही ज्वाइन हो सकते हैं 3-3 दिन की शिविर होगी उसमें भी आप आ सकते हैं अगर नेक्स्ट क्वेश्चन कोई क्वेश्चन इसमें पूछे क्या हाँ बोलिए बोलिए क्वेश्चन हाँ लिख कर भेजे तो भी चलेगा हाँ राइडर बंडी जी हेलो हेलो हाँ जी बोलिए हाँ जी राइडर बंडी गुरु जी बोल रहा हूँ कोई मैं मुझे जानना चाहता हूँ हम आपके जो गुरुकुल है संस्कृति जो गुरुकुल है उसमें कितने साल तक के बच्चों को एडमिशन लेते हैं और रहने खाने का और क्या क्या प्रोसीजर होता है देखिए उसमें यहाँ पर जो 8 से 11 साल तक प्रवेश होता है बच्चों बराबर है 8 से 11 साल 8 उम्र से 11 उम्र तक प्रवेश होता है ज्यादा से ज्यादा 12 साल 12 के बाद इसलिए नहीं होता है क्योंकि यहाँ बहने भी है उसको साथ साथ में बाद में कोर्स पूरा होता है 7 साल का कोर्स होता है तो 8 से 11 तक का उसका जो है वो प्रवेश और 11 साल के बाद 7 साल का मतलब 8 में आया है तो कुल मिलाकर 7 साल का अध्ययन है 8 साल से आता है तो 15 साल में पूरा होगा 9 पे आता है तो 16 पे 10 में आता है तो 17 पे इस तरह का है कि 7 साल यहाँ पढ़ना है रहने भोजन की यहाँ व्यवस्था है रहना है भोजन है उसके लिए जो खर्च होता है वो माता पिता को बताते हैं कि इतना होता है मानो 5,000 होता है महीने में 4,000 माता पिता पहुंच सकते हैं तो उसको देते हैं नहीं पहुंच सकते हैं तो बताते हैं कि भी हम पहुंच नहीं पा रहे तो ये कारण है नहीं पहुंच पा रहे तो कोई तकलीफ नहीं गुरुकुल की व्यवस्था एकदम ट्रांसपेरेंसी है और आपसे भी सब माता पिता से ट्रांसपेरेंसी की अपेक्षा रखती है तो ये एक व्यवस्था है उसको ये कोई कमाने का साधन नहीं इसके कोई कमाई नहीं करता है ये पूरी की पूरी व्यवस्था है उसका पूरा का पूरा खर्चा दिखाई देता है उसमें जो आप पहुंच सके वो सहयोग करना है नहीं पहुंच सके कोई बात बच्चों के लिए कोई इसकी बंधी बंधाई फीस नहीं पहुंच सके वो देना है नहीं पहुंच सके कोई बात नहीं कुछ कोई तकलीफ नहीं लेकिन माता पिता के लिए नियम अवश्य है बच्चों को तैयार करके लाना होगा बच्चों को स्वयं शिस्त सिखानी होगी ये सब है और बच्चों को संस्कारी वातावरण से आना जरूरी होगा आपको संस्कार देना कर्तव्य होता है वो सब बच्चों में हम देखते हैं आप में देखते हैं आप भी कुछ ऐसा काम करें कि भाई जैसे गुरुकुल शिक्षा है सुवर्ण प्राशन के केंद्र है
इस तरह से, नहीं तो बहुत माता पिता क्या करते हैं, यहाँ छोड़ जाते हो, फिर वो दोनों घूमने लगते हैं अलग अलग जगह पर, स्टेटस रखते हैं कि आज हम कुल्लू मनाली जाकर आए, आज वहां जाकर आए, आज वहां जाकर आए। तो ये बच्चों को इस तरह से छोड़ देने का था। बच्चों को एक सिंपल है, गुरुकुल पे रखते हैं तो अपनी जिम्मेदारी बढ़ती है, क्योंकि आप भी गुरुकुल की व्यवस्था को समझते हैं। तो यहाँ पर इस तरह की व्यवस्था है, पहले हम उसको लेते हैं, 7 साल तक रखते हैं, और 7 साल की तैयारी है तो ही रखते, 1 साल एक्सपेरिमेंट के लिए यहाँ न रखे। बहुत लोग ऐसा करते हैं, 1 साल रखते हैं फिर कहे बिना ही वो चले जाते हैं, फिर दूसरी जगह या तो रख देते हैं, या तो उसको कठिन लगता है यहाँ का जीवन, क्योंकि वहां बहुत पले बले है, वहां सब उसकी ख्वाहिशें पूरी होती है, यहाँ बहुत कुछ नहीं होती है। तो ऐसा न करे, अभी हमने कड़क कर दिया, तो 7 साल का संकल्प है तो यहाँ रखते हैं। जी बताइए और कोई। अभी मैं नंबर भेजा हूँ अमित भाई जी का, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं जिनको भी डाउट्स है। अमित जी का मैं नंबर भेजा हूँ। और आचार्य जी कुछ क्वेश्चंस राइटिंग में ले देखिए, नई एडमिशन के लिए, नई एडमिशन के लिए बच्चों को कब लेकर आना है? पहले फॉर्म भरना है, आप फॉर्म भर दीजिए। पहले फॉर्म भर दिया है, फॉर्म भर दिया है, मैं पूछता हूँ, फॉर्म भर दिया है फॉर्म? हेलो, अमित जी से कांटेक्ट करेंगे। अमित जी से कांटेक्ट कर लीजिए, फॉर्म उसको भेज दीजिए, और बाकी का सब अमित जी से बता दीजिए, मैं बात कर दूंगा कल सीन से 5 बजे तक, और जो भी होगा वो हम आपको बता देंगे। लगभग लगभग आपका क्रम सितंबर में आएगा, प्रथम सप्ताह में, जो नए बालक आने वाले उसके लिए। जी एक पूछ रहे कि 5-6 साल के बच्चों को एडमिशन नहीं होगा क्या? नहीं, 5-6 साल को नहीं होगा, 8 साल से होता है। आप अपने यहाँ पर पढ़ाइए, 5-6 साल का बच्चा है तो 2 साल आप पढ़ा दीजिए, 2 साल उसको अच्छी तरह से रखिए, यहाँ वैदिक पेरेंटिंग की शिविर आप करिए, 8वें साल से हम यहाँ पर लेते हैं। सर्टिफिकेशन के बारे में पूछ। सर्टिफिकेट के बारे में, हम NIOS बोर्ड होता है उसमें, यदि यहाँ का कोर्स पूरा हो जाने के बाद हम एग्जाम दिलवाते हैं, उसमें हम आपको हेल्प करते हैं। फार्म वगैरह यदि आसानी से यहाँ मिल गया तो यहाँ भर देते हैं, आपके यहाँ से भरना है तो हम आपको बता देते हैं, उसके लिए हम आपको मदद करते हैं पूरे की पूरी। NIOS की बोर्ड की एग्जाम उसको देनी होती है, हम कुछ कारणों से यहाँ पर वो सेंटर नहीं ले सकते NIOS का, इसलिए हमने अहमदाबाद पर, बहुत लोगों ने लिया है, वहां पर हम एग्जाम दिलवाते हैं अहमदाबाद में। वो NIOS बोर्ड है, उसके बारे में आप गूगल पर देख लीजिए, वो बोर्ड क्या है, कैसी मान्यता है, कितनी, वो सब कुछ आपको पता चल जाएगा, गूगल के ऊपर सारा है NIOS बोर्ड के बारे में। वो स्टेट बोर्ड के जैसा ही है, लेकिन वो 1-2 साल देर होती है, क्योंकि 7 साल वो पढ़ता है यहाँ पर, 7 साल पे पढ़ने के बाद वो वहां पर जाते हैं, तो इसलिए वो 2 साल की देरी होती है। वो तैयारी आपकी होनी चाहिए, आपको कुछ पाना है तो कुछ गवाना भी पड़ेगा, यदि उसको आप गवाना मानते हैं तो। यदि ऐसा मानते हैं कि कोई बात नहीं, ठीक है, तो फिर कोई तकलीफ ही नहीं, तो फिर यहाँ पर 7 साल का कोर्स करें, और बाद में उसके लिए खुला है NIOS बोर्ड में, वो परीक्षा दे सकता है आसानी से, उसकी तैयारी भी हम करवाने का प्रयत्न करते हैं। जी आचार्य जी, समर हॉलिडेज होता है क्या बच्चों को? 7 साल उधर रहना है तो समर में, अब देखिए ऐसी बात है कि समर में भी वेकेशन होता है और दीपावली पे भी वेकेशन होता है, 2 वेकेशन होते हैं, लेकिन बीच में छुट्टी नहीं होती। समर वेकेशन हो गया और दीपावली हो गई, तो बाद में न ले जाने के लिए कोई भी कारण से वो ले नहीं जा सकते, तो समर वेकेशन भी है और इसमें यहाँ दीपावली का वेकेशन भी है, 2 वेकेशन है, 2 बार उसको घर पे जाना है और फिर आना है, लेकिन बीच में नहीं जाना है। और ये गुरुकुल है वो गुजरात में है, ऐसे तो स्ट्रक्चर गुजरात में है, ऐसे तो गुजरात स्ट्रक्चर गुजरात में, कर्नाटक में नहीं है गुरुकुल, अभी तक हमारा नहीं है, संस्कृति गुरुकुल नहीं है, और बहुत सारे गुरुकुल कर्नाटक में है, तो हमारा गुरुकुल राजकोट में है, गुजरात में। जी जी सतीश रे जी, आशुतोष श्रीवास्तव, सतीश रे जी आप बात कीजिए, आप क्वेश्चन पूछिए आचार्य जी से। जी क्वेश्चन ये प्रश्न ये था गुरुजी कि गुरुकुल कितने साल से चल रहा है, और जो पुराने जो बच्चे जहाँ वो गुरुकुल से निकले हैं वो अभी समाज में क्या कर रहे हैं, वो थोड़ा जानना था। अब देखिए पुराने तो मेरी उम्र के निकल गए थे,
और उसके बाद हमने शुरू किया तो अभी तक तो कोई निकले नहीं। तो रही बात आपको निकलने के बाद क्या कर रहे, तो मैं ये कर रहा हूँ आपके सामने है, मैं गुरुकुल से ही पढ़ा, गुरुकुल से ही निकला हूँ। दूसरे मेरे दोस्त थे विष्णु भाई करके है, वो कॉलेज में पढ़ा रहे, वो भी गुरुकुल के विद्यार्थी थे, गुरुकुल से ही पढ़े थे, अभी कॉलेज में पढ़ा रहे है। तो ये आपके सामने है कि भाई गुरुकुल के पढ़कर मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैं ये पढ़ा रहा हूँ और जो भी मेरी गुरुकुल की व्यवस्था है उसमें मैं चला रहा हूँ ये व्यवस्था। और बच्चे अभी तक निकले नहीं, वो निकलने के बाद वो कुछ करेंगे, निकलने के बाद हम बता सकते हैं उसको। और गुरुकुल से निकले हैं जैसे हेमचंद्राचार्य गुरुकुल में हमने पढ़ाया, वहां से निकले हैं वो लोग, अभी अलग अलग जगह सेट हो गए। तो गुरुकुल पे पढ़कर मतलब कुछ तो हो ही सकता है और अच्छी तरह से व्यवस्था हो सकती है। तो व्यवस्था के बारे में आपको प्रश्न होगा, तो वो बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया, लेकिन गुरुकुल व्यवस्था इस तरह की नहीं है कि जो आदमी को परावलंबी बना दे। भाई म्यूट करिए किसी को, हाँ, उसको परावलंबी नहीं बनाती है, उसको स्वावलंबी बनाती है। तो ये तो गुरुकुल व्यवस्था का एक है, इसलिए इसमें आप ये डर मत रखिए, क्योंकि गुरुकुल के बारे में एक भ्रांति फैल गई है कि डिग्री नहीं मिलती मेरे को लेकी, चौकी मिलती है तो भी ऐसी भ्रांति है कि मिलती नहीं, और उसके बाद वो कुछ नहीं कर पाता है। वो सेवा पूजा करता है मंदिर की और बहुत तो पूजा पाठ करने जाता है और इसलिए वो अपना जीवन चलाता है, क्योंकि गुरुकुल मतलब उसमें कोई एक्सपर्टाइज नहीं होती, उसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं होती, वो गुरुकुल की शिक्षा। ऐसी एक भ्रांति हो गई हमारे मन में, क्योंकि जहां जहां सुना वहां वहां पर हमने गुरुकुल मतलब एक चोटी वाला, एक धोती वाला और मांगने वाला, हाथ में कटोरा लेकर कुछ पैसा वगैरह दे दो, कुछ डोनेशन दे दो। और ये संप्रदायों ने इतनी हालत खराब कर दी गुरुकुल के नाम पे, क्योंकि जो भी व्यक्ति आए उसको मांगने को भेज दिया, जो भी व्यक्ति आए मांगने को। भारत में तो मरने के से भी खराब मांगना माना, याचना करनी है अर्थात जो गृहस्थ याचना करता है वो मरने से भी खराब है। गुरुकुल इतनी बड़ी व्यवस्था है, तो ये एक आप मानिए, बच्चा स्वावलंबी होता है और स्वावलंबी होने की उसमें पूरी क्षमता आ जाती है, तो इसमें कोई तकलीफ कि वो क्या करेगा, तो ये बहुत कुछ रास्ते है वो हमने अनुभव, तो उसका हम पूरा प्रयत्न करते हैं। यहाँ पर बहुत कुछ उत्पाद सिखाते हैं, रोजगार, हम क्या ये चाहेंगे अब आपके बच्चे को, आप ये जितनी चिंता करते हैं उतनी चिंता हमको भी होती, हम सो ज्यादा होती, हम ज्यादा समझते, तो इसलिए हम रोजगार सिखाते हैं, बहुत कुछ सिखाने का प्रयत्न करते हैं कि वो स्वावलंबी हो जाए, क्योंकि अंत में तो वो स्वावलंबी होगा तो गुरुकुल का ही नाम अच्छा होगा ना, तो इसलिए हम पूरा प्रयत्न करते हैं। मेकोले शिक्षा में वो प्रयत्न नहीं देखा जाता, वो डिग्री देकर छोड़ देते, उसके ऊपर है फिर वो जहां जाए जहां, लेकिन हम उसका पूरा प्रयत्न करते हैं कि कहीं वो सेट हो, कहीं स्वावलंबी हो। हाँ, लेकिन वो तैयारी माता पिता की भी होनी चाहिए, वो श्रद्धा की, वो विश्वास की, वो उसके मतलब निर्णय की, संकल्प। तो ये पूरा प्रयत्न हम उसके बारे में करते हैं और उसके बारे में पूरा सेशन लेते हैं कि गुरुकुल के पढ़ने के बाद उसके पास कितने स्कोप है। तो ये ऐसा अंधविश्वास हम नहीं सिखाते कि चलो हमारे पर छोड़ दो देख लेंगे, ऐसा नहीं, हम पूरा ट्रांसपेरेंटली उसके डेटा रखते हैं। जैसे आज के डेटा है कि मैंने स्पष्ट बता दिया, मैं वो गुरुकुल में पढ़ा, आज आपके सामने हूँ, आज आपको लगता है कि भाई मैं सेठ हूँ तो आप समझ लीजिए, मेरे मित्र है कॉलेज में पढ़ा रहे, उसकी स्थिति ऐसी थी, वो भी गुरुकुल के विद्यार्थी, वो भी अच्छी तरह से अपना कार्य कर रहे हैं, प्रामाणिक रूप से कर रहे हैं, वहां पढ़ा रहे हैं, पढ़े मेकोले में रहे तो भी वो मतलब हमको दुख है, लेकिन मेकोले में रहते हुए भी वो इतने प्रामाणिक, इतने वो है अपने काम के प्रति निष्ठा वाले है, और मैं हूँ तो गुरुकुल व्यवस्था को समर्पित हूँ। बच्चे आएंगे, उत्पाद सीखेंगे और बहुत सारी चीजें सीखते हैं, फिर अपना अपना जो जीवन का एक रास्ता है वो अपना चुने, तो इसलिए उसके पास वो भी होगा, ऐसा नहीं है डिग्री का विरोध अंधा, एनआईएस बोर्ड में एग्जाम दे सकते हैं, उसके बाद अपने जीवन में वो आगे बढ़ सकते हैं। तो ये बहुत सारे रास्ते है गुरुकुल की पढ़ाई करने के बाद, तो ये हम पूरा प्रयत्न करते हैं कि उसकी आजीविका, उसका स्वावलंबीपन बना रहे। इसके लिए कोई भिखारी को तैयार करने का ये नहीं है संकल्प, कि ये भिखारी तैयार करने का प्रकल्प भी नहीं है। तो ये बात समझिए, पूरी बौद्धिक बात है, पूरा विचार किया गया है उसके ऊपर कि बच्चे आगे क्या। जी आचार्य जी, जी माता पिता लोग कब मतलब साल में कितने बार मिल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या है? माता पिता लोग जब शिविर होती है यहाँ पर 2 या 3 महीने में तब आ सकते हैं,
बहुत माता पिता लोग को एक को बुलाएंगे कई और एक नहीं आएगा तो दूसरे बच्चों को होगा कि इसके माता पिता है मेरे नहीं आए तो उसकी याद आएगी, फिर तीसरा देखेगा तो उसको लगा अच्छा इसके माता पिता है मेरे नहीं आए तो उसको याद है। ये सब साइकोलॉजिकल प्रोसेस को देखते हुए गुरुकुल का नियम ये है, 2-3 महीने में शिविर होती है माता पिता के लिए, माता पिता को सीखने के लिए और डेमो देने के लिए, उसको दिखाया जाए कि भाई बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं। तो 2 या 3 दिन यहाँ रुकना होता है, पूरा सीखना होता है, शिविर होती है और 2 या 3 महीने में एक बार होती है, उस समय माता पिता आ सकते हैं, उसके बाद फिर वो नहीं आ सके तो फिर 2-3 महीने में एक बार होती है, ये हमारे गुरुकुल का नियम है। तो इस तरह से माता पिता शिविर में आ सकते हैं, वहां पर वो सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बहुत माता पिता आज भी जुड़े हैं जो हमारी शिविर करके गए हैं, माता पिता भी सीखते हैं, बच्चे भी सीखते हैं गुरुकुल पे। तो माता पिता अपनी वेग से सीख कर कुछ ऐसे विषय होते हैं जो माता पिता को सीखने के लिए होते हैं, वो बहाने वो बच्चों को मिल भी लेते हैं 2-3 दिन। बच्चे यहाँ व्यवस्था में होते हैं, माता पिता पार्टिसिपेट होते हैं शिविरों में, तो ये पूरी व्यवस्था है। शिविरों में माता पिता आ सकते हैं, 2-3 दिन गुरुकुल पे रुक सकते हैं और उसके बाद जा सकते हैं। हाँ, लेकिन बीच में बच्चे को नहीं मिलने आना है, क्योंकि उससे अभी कभी राजकोट आ गए एक समय दो समय तो आप अवश्य आ सकते हैं, बस वो 1-2-4 घंटे के लिए मिलकर जा सकते हैं, लेकिन हो सके वहां तक ये हम नहीं सजेस्ट करते, शिविर में ही आने का हम उसको आग्रह। जी क्या बताया, आपका कुछ लिख कर प्रश्न आया था, फिर से लिख कर बताइए क्या। आचार्य जी कौन सी क्लास तक जो है होता है बोल के पूछ रहे हैं, गुरुकुल ही कौन से क्लास तक होता है बोल के, क्योंकि मैं काले से कंपेयर कर रहे थे इसलिए। नहीं देखिए कौन सी क्लास तक वो 7 साल होता है गुरुकुल का कोर्स, 7 साल होता है। एक स्टैंडर्डाइजेशन जो होता है, एक दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी, ये मेकोले की सिस्टम है। गुरुकुल पे पहले अध्ययन था वो सत्रों में लिया जाता था, तो यहाँ पर 17 में अध्ययन होता है, 7 साल का पूरा कोर्स है यहाँ पर, तो 14 सत्र होते हैं 7 साल में। 14 सत्र पूरे होने के बाद वो NIOS एग्जाम 10th की इक्वल होती है वो दे सकते हैं, उसके बाद 12th की इक्वल होती है वो भी दे सकता है। तो इसलिए ये है, आयुर्वेद सिखाया जाता है 7 साल में। हाँ, आयुर्वेद को सिखाया जाता है 7 साल में, पंचगव्य को भी सिखाया जाता है, न्याय दर्शन को भी सिखाया जाता है, ये बहुत सारे विषय यहाँ पर ये 7 साल में सिखाए, संगीत भी सिखाया जाता है। जी अरे जी मतलब अलग अलग जगह से बच्चे लोग आने से उनका मदर टंग इसमें कुछ तकलीफ होगा क्या, एक ही प्लेटफॉर्म आने के लिए? नहीं, मदर टंग का कोई तकलीफ नहीं होगा, क्योंकि हम अपनी मदर टंग में नहीं पढ़ाते हैं गुजराती में, हम हिंदी में पढ़ाते हैं और धीरे धीरे उसको संस्कृत में ले जाते हैं, तो धीरे धीरे सबकी भाषा संस्कृति हो जाती है, तो मदर टंग तो संस्कृति रही, सबकी भाषा तो संस्कृत रही ना उसकी, मतलब ओरिजिनल, तो उसमें कोई तकलीफ नहीं होगी। वो हम अपनी मदर टंग में नहीं पढ़ाते, हम हिंदी में शुरुआत करते हैं और संस्कृत तक जाते हैं, तो उसमें कोई तकलीफ नहीं होती है, वो बालक आसानी से हिंदी भी सीख लेता है, संस्कृत भी बाद में सीख। जी आचार्य जी, वो डॉक्टर इंजीनियर बन सकता है क्या? अब वो बात है कि आप डॉक्टर इंजीनियर किसको मानते हैं? अब आप ये मानते हो कि भाई डॉक्टर है वो जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल वाला डॉक्टर है, तो वो शायद वो बनना नहीं चाहेगा गुरुकुल में आने के बाद, आप उसको बनाना भी चाहो तो बनना नहीं चाहेगा। और यदि आप डॉक्टर इसको कहते हो कि जो चरक ने लक्षण दिए है कि दक्ष तीर्थार्थ शास्त्रार्थ दुष्ट कर्माशु तीर्थ, अवश्य बन सकता है। आप इंजीनियर यदि डिग्री लेकर घूम रहा है जो कंपनी कंपनी में उसको मानते हो, तो अवश्य ही गुरुकुल का बच्चा, ऐसा इंजीनियर तो बनना नहीं चाहेगा, लेकिन अवश्य ही आप इंजीनियर विश्वकर्मा जैसे बनाना चाहते हो कि उसको एक सूझ हो वस्तु बनाने की, वो पदार्थ को जानता हो, पदार्थ को मॉडिफाइड करना जानता हो, अपने नए एक 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 सर्जन कर सकता हो,
तो ये अवश्य बन सकता है, क्यों नहीं। और सबसे ज्यादा इंजीनियर तो गुरुकुल ने ही निकाले हैं, आज तक का रिकॉर्ड है, आज तक शिल्पी नहीं निकाल पाए हैं, विश्व के इतनी यूनिवर्सिटी भारत के जैसा शिल्प नहीं बना पाई। आप देखिए अजंता इलोरा की गुफाएं, भारत के जैसा डॉक्टर, जीवक आचार्य जैसा डॉक्टर दिखा दे एक भी, जिसको ब्रेन सर्जरी बिना एनेस्थेसिया से दी थी, आज भी कोई नहीं कर पाता है ब्रेन की सर्जरी। आप इतिहास पढ़ लीजिए, गुरुकुल ने ही सबसे ज्यादा डॉक्टर। तो मुझे ऐसा लगता है कि गुरुकुल के बारे में ये है कि गुरुकुल मतलब क्या है कि वो डॉक्टर इंजीनियर की तो पढ़ाई बहुत ऊपर होती है, वो गुरुकुल में नहीं होती। गुरुकुल में छोटी छोटी पढ़ाई होती है, मतलब क्या होता है कि कभी कोई श्लोक रट देना, फिर कहीं स्तोत्र, कभी तबला मंजीरा लेकर बैठ जाना और धुन बुला लेना, ये सब छोटी छोटी पढ़ाई वहां गुरुकुल पे होती है। बाकी बहुत बड़ी बड़ी पढ़ाई तो इंजीनियर डॉक्टर को होती है, बहुत पढ़ना पड़ता है, उसमें चश्मा लग जाता है बहुत पढ़ते। तो हमारी ये भ्रांति निकल जाए कि गुरुकुल सरलता से पढ़ाता है, लेकिन विषय तो डॉक्टर इंजीनियर से बहुत कठिन आते हैं। आप ये मत समझिए कि ये चरवाहा बनेगा, गाय को चराने का काम, गाय को चराने का काम भी करेगा, उसमें कोई नानक नहीं, लेकिन गाय को ही चराने का काम होता है गुरुकुल में। ये एक भ्रांति होती है कि वो गांव में होता है, गाय को चराने का काम होता है, और कुछ जानते नहीं है, बस रोटी खाते वहां बैठते बैठते और अपना हाथ से काम करते है और मजदूरी करते है, बस हो गया काम गुरुकुल का खत्म। डॉक्टर इंजीनियर तो बोल, मैं ये बताता हूँ, गुरुकुल मतलब बौद्धिक व्यवस्था है। वो डॉक्टर इंजीनियर तो बहुत छोटी बात है, वो आपने पूछ ली कि डॉक्टर इंजीनियर बन सकता है तो अवश्य बन, वो डॉक्टर को इंजीनियर को तैयार करने वाला बनता है। मैं आगे जाती हूँ, वो राजा को तैयार कर सकता है तो डॉक्टर इंजीनियर तो तैयार कर ही पाता है, तो ये अवश्य कर पाता है, उसमें पूरी बौद्धिक क्षमता तो ये अवश्य ही कर पाता है, उसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं। जो आप पूछ रहे हैं ना, वो गुरुकुल के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आपको यदि, मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा बहुत विज्ञान है डॉक्टर का और इंजीनियर का, तो आप मुझे देख सकते हैं, मैं भी गुरुकुल में पढ़ा हूँ, मुझे भी थोड़ी बहुत इंजीनियरिंग आती है, तो आप मेरे वीडियो देख सकते हैं मेरे, उसके ऊपर भी बनाया है एक दो वीडियो, और डॉक्टरी के बारे में तो मैं वीडियो रोज बनाता रहता हूँ, तो ये आप कर सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं। 11 वर्ष का बालक यदि योग्य रहा, माता पिता की तैयारी रही, माता पिता का संकल्प रहा, फिर उसमें भी कभी कभी ऐसा होता है माता नहीं चाहती है, पिता चाहते हैं, किसी के वीडियो सुनते हैं माता और पिता, तो उसको एक हो जाता है कि नहीं मैं मेरे बच्चों को गुरुकुल में बिठाऊं, माता चाहती है कि नहीं मैं उसको में, तो ये संघर्ष होता है। तो वो थोड़ा आप समझाने का काम करें, विरोध झगड़ कर लड़ झगड़ करना एक बात है, पूरा कन्विंस होकर आए गुरुकुल पे, या तो कोई कोई केवल उसको कहे बिना ही छोड़ देते है गुरुकुल को, ऐसा ना करे। माता पिता की सहमति आवश्यक है, बच्चे की योग्य स्थिति हो, यहाँ इंटरव्यू लिया जाता है, बच्चों को सिखाना जरूरी है, वो आपका कर्तव्य है, बच्चों को शिक्षा देना, उसको यदि आपने उत्पन्न किया है, उसको जन्म दिया है, तो आपके पास उतना समय होना चाहिए उसको पढ़ाने का। तो ये सारी हम इंटरव्यू लेकर उसको पूछते हैं, कुछ प्रश्न पूछते हैं, नहीं है तो उसकी न्यूनता क्या है वो बताते हैं, तो ये पूरी व्यवस्था है। और 11 साल का बच्चा तो उसे ज्वाइन कर सकता है, आप उसको लेकर आ सकते हैं इंटरव्यू देने के लिए। जी आगे। हाँ आचार्य जी, अपना मतलब माता पिता का कंसर्न ज्यादा होता है लड़की, अगर लड़की को छोड़ने में, एक अच्छा क्वेश्चन है, तो लड़कियों का उनका कंसर्न होता है तो कुछ सेफ्टी के लिए, तो आजकल इतना जमाना उतना अच्छा नहीं है, इसलिए पूछ रहे कि लड़कियों के लिए स्पेशल केयर आप ले सकते हैं क्या। अच्छा क्वेश्चन है विद्यासागर जी, स्पेशल केयर तो जो केयर है वो रखते हैं हम यहाँ पर, जमाना के साथ तो गुरुकुल की ऐसे कंपेयर नहीं करनी चाहिए। ये बात अच्छा है कि बाहर वातावरण अच्छा नहीं है, लेकिन बाहर के वातावरण को हम कम से कम संपर्क रखते हैं, अंदर का वातावरण हम अलग तरीके से रखते हैं, बाहर के वातावरण तो अलग अलग प्रकार का होता है, उसे संपर्क। अध्यापिका यहाँ पर है हमारी, जो अंशु दीदी जी है और जो महिलाएं हैं वो बच्चियों के साथ है, ऐसे गुरुकुल में अलग अलग व्यवस्था होनी चाहिए बच्चों की और पुरुषों की और स्त्रियों की। हमारे यहाँ अलग अलग कमरे में है लेकिन परिसर एक है, और ये हमारी मर्यादा है क्योंकि सब कुछ आदर्श गुरुकुलम बनाएंगे तो इतना बड़ा स्ट्रक्चर करना पड़ेगा, ये सभी व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था इतनी करनी पड़ेगी, उसके लिए आज हमारे पास उतनी शक्ति नहीं है, तो जितनी शक्ति थी उतना स्ट्रक्चर बनाया,
इतना हम जो कर पाते थे मैक्सिमम करें, हम ये रख चाहते हैं कि बेटी भी क्यों रह जाए, तो हमने छोटे से स्ट्रक्चर में ही बहनों को भी रख दिया, बच्चों को भी रख दिया। अब कुछ तो बात साहस करना है, आप एक घर में भाई और बहन, तीन बहनें दो भाई यदि रह सकते, एक छोटे से कमरे में यदि 10-5-7 का परिवार रह सकता है, तो हमारे पास तो 10 कमरे है, तो उसमें यदि नहीं रह सकते या इसको कोई किसी को सेफ्टी नहीं लगती है, तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। वो ठीक है, मतलब अनेक जगह की अनेक विचारधारा होती है, हम हमारे रीत से जो भी हो सकता है अच्छा, जो सर्विस अच्छी हो सकती है वो देने का प्रयत्न करते हैं हम गुरुकुल के लिए। ये अवश्य है कि जो आप हॉस्टल में देखेंगे अलग अलग जो सेफ्टी की बात, ऐसी सेफ्टी यहाँ पर इस तरह से नहीं है कि लड़कों से इतनी दूरी, लेकिन अवश्य ही उसमें भी आप विकृतियां देखते हैं हॉस्टल अलग अलग होने पर भी, वो स्ट्रक्चर से ज्यादा विकृति विचार की, वो हम कभी कभी भूल जाते हैं कि ये व्यवस्था होती है ना, वो पूरी विचार, वो गुरुकुल ये वातावरण खड़ा करना चाहते हैं कि शायद कोई भी ना हो, लड़का लड़की साथ भी रहे तो भी ये विचार की ये प्रगल्भता है, ये पवित्रता है कि ये रह सके, उसमें कोई तकलीफ हो, ये हम प्रयत्न करते हैं जो दूसरे स्कूल नहीं करते हैं। तो ये थोपी हुई व्यवस्था जो मेरे को लेकी है अनुशासन शिस्त के नाम से, ये नहीं है, तो हम प्रयत्न करते हैं बच्चे भी यहाँ अच्छे से अच्छा है, इसलिए इंटरव्यू होता है, बच्चे भी अच्छे से अच्छा है, लड़कियां भी अच्छी से अच्छी आए, और वो दोनों अध्ययन में अपना कालक्रम पसार करे अच्छे पवित्र वातावरण, तो इसलिए हम अवश्य उनकी पर ध्यान रखते हैं, पूरा का पूरा हमारा फोकस होता है, और वो अनुभव किया है यहाँ जो जो लड़कियां भेजते हैं वो देखते ही ये सब देखना ही चाहिए, लेकिन जो यहाँ की मर्यादा है ये है कि स्ट्रक्चर छोटा है, उसको आपको भी स्वीकार करना पड़ेगा, हम भी स्वीकार करते हैं, तो ये हम जो भी अपने को साधन मिला है, हमारे पास फरियाद करने के लिए होता बहुत तो बहुत फरियाद करने जैसा है कि हमारे पास स्ट्रक्चर नहीं था, गुरुकुल नहीं किया, पैसा नहीं था नहीं किया, कोई 20 बीघा जमीन होती, 100 बीघा जमीन होती, करोड़ों रुपए कमा लिए होते, पहले ऐसे भी गुरुकुल बनाते हैं, जीवन का गोल्डन टाइम पैसे कमाने में देते, तो उसके बाद 50 साल में गुरुकुल बनाते कि चलो पैसा कमा लिया इन्वेस्ट कर दो फिर बना लो गुरु, लेकिन उसे स्पार्क नहीं, उससे मैं ये नहीं कह पाता कि आदमी अपने स्वावलंबन पर खड़ा है, क्योंकि लोग बताते कि मेहुल भाई के पास तो करोड़ों पड़े हैं इसलिए बता पा, मेहुल भाई भी एक पत्रे के नीचे ले रहा है आचार्य भी, और तो भी इतना खुश है, तो भी इतना प्रसन्न है, और लोगों को कुछ ना कुछ मार्गदर्शन देता है, कुछ ना कुछ बना पाता है, कुछ ना कुछ रोजगार की बात करता है, किसी ना किसी को दे पाते रोजगार, तो ये तब मैं बता पाता जब मैंने संघर्ष किया हो, तो कुछ बातें आपको संघर्ष करनी पड़ेगी, उसमें कुछ बातें आपको स्वीकारनी पड़ेगी, कुछ बातें को आपको एडजस्ट भी करनी पड़ेगी, तब ये व्यवस्था टिकेगी। हर एक व्यक्ति अपना सुख अपनी चॉइस देखेगा, तो मैं अपनी चॉइस देखता तो मैं कभी गुरुकुल नहीं बनाता, मेरे पास भी फरियाद करने के बहुत बहाने थे, मैं भी भगवान को कह पाता अंदरों अंदर मुझे 2 करोड़ दिया होता, मैं भी करोड़पति के यहाँ जन्म होता तो मैं अवश्य गुरुकुल बनाता, लेकिन अब तो ये है नहीं, चलो अपना काम करो, यूनिवर्सिटी में पढ़ाओ, गुरुकुल मेरे पास, इन संकल्प लिया कि मुझे करना ही है, चाहे मुझे भूखे क्यों ना मरना पड़े, मुझे पैसा तो क्या है कि बहुत गौण चीज है, शिक्षा व्यवस्था टिकाने, बस आप ये इतना जानो लड़कियों की सेफ्टी है, पूरा प्रयत्न करते हैं कि उसको बहनों को अध्यापिकाओं को अंडर में रहे, उसके सन्निधि में रहे, तो इसके लिए कोई खतरा नहीं। हाँ, लेकिन आप कहेंगे कि उसका अलग भवन है तो वो नहीं है, वो आपकी दृष्टि क्या है उसके ऊपर निर्भर करेगा। जी आगे आचार्य जी, ये तो घर घर का प्रॉब्लम है, एक पिताजी सानुकूल है बच्चे को लेके आने के लिए, लेकिन माता जी मना कर रहे हैं, तो ये तो हर एक घर में ये प्रॉब्लम होता है। अब ये देखिए, ये प्रॉब्लम को आज दूसरी तीसरी पीढ़ी होगी, और ये तीसरी पीढ़ी में और होने वाला है, क्यों हुआ है, क्योंकि स्त्रियों को जैसी शिक्षा देनी चाहिए ऐसी शिक्षा दी, सहनशीलता की, प्रगल्भता की, समझ की, समझ के स्तर की। आज मैं गुरुकुल में रह रहा हूँ, मैं अपनी मनमानी कर सकता हूँ, लेकिन मैं भी ये समझ का स्तर रखता हूँ,
कि हर एक व्यक्ति को यहाँ अपनी जिम्मेदारी समझकर, अपना एक कर्तव्य समझकर, अपने आप को संस्कृति में जो कंट्रीब्यूशन हो सके वो देना है। वो बच्चियों को बेटियों को बचपन से ही ये सिखाने का हमारे, चाहे अंशु दीदी जी हो, जिज्ञासा आचार्य हो, वो कोई भी है, वो प्रयत्न करते कि वो सिखाया जाए। अब स्कूल में वो सिखाया ही नहीं, स्कूल में केवल उसको रटाया, x² + 2xy + y², ऐसा सब कुछ सिखाया उनको, और वो कभी काम नहीं आया जीवन में। मुझे तो आया ही नहीं, मैं जब पढ़ा था तब वो, मैं अब आज तक नहीं आया, आपको कितना आया मुझे पता नहीं, लेकिन नहीं आया। तो बहनों को जब ये एडजस्टमेंट की शिक्षा नहीं दी तो वो समर्पण नहीं कर पाई, महिलाएं समर्पण नहीं कर पाई, तो समर्पण नहीं कर पाई तो उसका केंद्र में ये रहा, स्वार्थ रहा। और रोज टीवी देखे तो बड़ी बड़ी स्कूलें दिखे और एजुकेशन के बोर्ड देखे कि वेलकम वेलकम वेलकम, आप यहाँ जाओ आप यहाँ। पेपर खोले तो एडवर्टाइज दिखे स्कूल की, तो उनको तो लगेगा कि वहां की ज्ञान की गंगोत्री बह रही है स्कूलों में कॉलेजों में, आहा क्या ज्ञान है। और ये एक दृष्टि महिलाओं की हो गई, तो उनको लगा कि मेरे बेटे को इसमें डाल दूंगी, बड़ा डॉक्टर बन जाएगा। बड़ा डॉक्टर बनकर क्या करेगा, बहुत ज्यादा पैसा कमाएगा, वो चाहे किसी भी तरह से कमाए। और पुरुष तो अच्छे सुन लेते कहीं बाहर से, किसी का वीडियो सुन लिया, किसी को सर्च कर लिया, मेरा जैसा यूट्यूब में आ गया कोई, तो वो सुनता है तो उसको लगता है कि भैया लो ये प्रवचन कोई महात्मा का सुन लिया, तो उसकी विचारधारा ये, तो वो प्रयत्न करता है। तो ये सारी समस्याएं दोनों के बीच में वैचारिक, कैसा क्या रास्ता है उसका। महिलाओं को आप मत समझाइए, क्योंकि आपका जीवन उसके सामने होता है, तो आप कभी बड़ी बात करेंगे ना तो आपका मानेगी, क्योंकि घर के लोग अपना मानते नहीं है, वो मुझे भी स्वीकार करता है, वो आप तो कर ही लीजिए मैं भी कर लेता हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल आपको नहीं बताना है, आपको हट जाना है, आपको बताना है कि देखो एक्सपर्ट है इस लाइन के, गुरुकुल लाइन के है, चाहे मेरा नाम दो चाहे और किसी का नाम दो, उसको बताना इसको सुनो। अब मैं नहीं बता रहा हूँ, वो ये एक्सपर्ट बता रहा है, ये एक्सपर्ट को स्कूल भी पता है गुरुकुल भी, ये बता रहा है कि ऐसा ऐसा करना चाहिए। आप अपने आप को दूर हटाओ, आप दूसरे लोगों को बताओ ये ऐसा बता रहा है, ऐसा बता रहा है, ये भी अपने बच्चे को इसी में पढ़ा रहा है। जब ये व्यक्ति को अच्छा नहीं लगेगा, मेरी दवाई है और मैं अपने बच्चे को देता हूँ, तो देने जैसी ये तब देता हूँ ना मैं, अपने बच्चे का तो गलत नहीं करूंगा, ऐसा जब विचार आ जाता है, सोच आ जाती है, तो उसको अनेक तरह से कैसे आप समझा सकते। हमारे गुरुकुल व्यवस्था यदि इतनी वो होती तो गुरुजी अपने बेटे को डालते नहीं डालते, मेरे मित्र अपने बेटे को डालते नहीं डालते, मैं डालता नहीं। तो ये अलग अलग व्यवस्था को देखा कि व्यक्ति जब कुछ लगा रहा है अपना, कुछ कह रहा है, उसके पास नॉलेज है, तो उसको इस तरह से समझाइए कि भाई बच्चे का हित चाहते हैं, हमको भी हित अच्छा करना है बच्चे का, तो लड़ने झगड़ने से बात नहीं बनेगी। आप लड़ेंगे झगड़ेंगे वो बल से सब कुछ कर देंगे तो ये से व्यवस्था नहीं बनेगी, इससे संघर्ष बढ़ेगा। और आपको अपनों से संघर्ष नहीं करना है, तो आपके पास शक्ति बाहर से संघर्ष वालों के पास बचेगी नहीं, ये बात याद रखें। बहुत लोग यहाँ पर आते हैं, वो बताते हैं कि मैं लड़ गया झगड़ गया, वो प्रवचन सुन लिया, मैंने मिट्टी के बर्तन मंगवा लिए, और फिर मेरी खिचड़ी अलग पकाता, उसकी खिचड़ी अलग पकती, और पूरा खादी का ड्रेस पहनता। मैंने कहा ये छोटी छोटी बातों में लड़ना झगड़ना नहीं, अब समझ गए ना। तो उसको कन्विंस करें, और आप श्रद्धा रखिए, एक बार हमारी शिविर में लाइए, एक बार दो बार तीन बार आप हमारी शिविर में लाइए, तो अवश्य ही उसमें परिवर्तन आएगा। ये श्रद्धा आपको रखनी पड़ेगी, परिवर्तन व्यक्ति में आ सकता है, अभी भी आ सकता है, इसके ऊपर आप श्रद्धा रखें, धीरज रखें। एकदम गुस्से मत हो जाइए, एग्रेसिव मत हो जाइए, संघर्ष में न उतर जाए, उसको धीरे धीरे समझाइए और शिविरों में लाइए। उसमें वातावरण ऐसा होता है, हमने देखा है, पटना से एक महिला आती थी, इतनी प्रश्न उटपटांग पूछती थी, मैं नाम नहीं लूंगा, वो भी शायद इसमें ऑनलाइन जुड़े हैं बहन जी, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उनको गलत लगेगा, उटपटांग प्रश्न पूछती थी, लेकिन मैंने शांति से अपने शिविरों में जवाब दिया। मैंने कहा देखिए बहन जी, मेरा कर्तव्य है, मैं गुरुकुल के बारे में बैठा हूँ, गुस्से होकर कोई फायदा नहीं, मैं भी इतना जोर से चिल्लाकर बोल सकता हूँ। तो उनको मैंने एक एक बातें समझाई, तो वो समझ गई। अंतिम दिन वो रोई, उनके जो पति है उन्हें फीडबैक दिया, हमने लिखा है अपने फोन, उसने बताया कि मैं मेरी पत्नी को फ्लाइट से 20,000 खर्च करके आपकी शिविर में लाया, आज मुझे इतना आनंद हुआ कि मुझे मेरे 20,000 वसूल हो गए, इतना मैंने खर्चा किया वो वसूल हो गया, क्योंकि उसकी विचारधारा बदल गई,
कि वो बताते हैं कि नहीं ये व्यक्ति कह रहा है ना उसके ऊपर ही तो इसके प्रकल्प के ऊपर इसको इतना आत्मविश्वास है ना तो हमको रखना चाहिए। उसके बाद वो बार बार फोन करती थी। और आप देखिए जो विरोधी होगा ना वो बदलेगा ना तो आपका बहुत बड़ा सपोर्टर। तो ये आप याद रखे, संघर्ष में न उतरे, समझाइए उसको। एक और कमी है वो मैं बता देता हूँ, गुरुकुल की व्यवस्था इतनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन ही नहीं हुई है, किसी ने की नहीं है, इसीलिए लोग नहीं मानते। आप देखिए गुरुकुल के बारे में सबसे ज्यादा भ्रांति आज आज कोई भी व्यक्ति को पूछो, गारंटी आप बेलगाम में रहते हो या किस गांव में, बेंगलोर में रहते हो या कहीं, किसी को भी जाकर खटखटाकर पूछो गुरुकुल मतलब क्या, तो कहेंगे कि एक आश्रम होगा, वहां दो तीन गाय होगी और वहां खेती करते होंगे और ऐसा 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 होगा, तो ये गुरुकुल, ये बस इतना ही लोगों को पता है। तो कोई ना ही कहेगा कि मैं मेरे बेटे को इधर क्यों भेजूं। तो गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था को समझने की जरूरत है, इसलिए मैं बोलता हूँ। अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा था, बहुत लोग कह रहे थे कि आप विषय पढ़ाइए विषय पढ़ाइए, अरे आप सुनिए तो सही समाज को क्या जरूरत है। इसलिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ गुरुकुल का विषय, आप पूरा यूट्यूब छान मारे, यूट्यूब के पूरे वीडियो देख लीजिए, उसमें गुरुकुल के विषय के आपको एक भी वीडियो प्रायः मैं मैक्सिमम कह रहा हूँ दो चार मिलेंगे, उससे ज्यादा नहीं है। और वो भी नहीं मैं बता सकता हूँ कि 100% गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था की बात है उसमें, तो इतनी कमी वैचारिक रीत से है, इसलिए फरियादे ये समझे वैचारिक रूप से गुरुकुल किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया है और वो नहीं हुआ है ये सदी में काम, वो आप स्वीकार करें। ये गुरुकुल की शिक्षा व्यवस्था को व्यवस्थित रूप से एक्सप्लेन करना होगा, उसके सामने बताना होगा और उसके बाद कन्विंस करके आप यहाँ लाएंगे, प्रयत्न करें आप तो अवश्य ही उसमें सुधार। आगे आचार्य जी, आप 8 साल में एडमिशन लेते हैं ना, उसके पहले क्या सिखाने से एडमिशन आसानी से मिलेगा, बच्चों को 5 साल के बाद क्या सिखाना है? उसके लिए हमारा एक कोर्स है, एक पुस्तक है, पुस्तक गुजराती भाषा में हिंदी भाषा में भी हो रही, उसका नाम है वैदिक पेरेंटिंग, वैदिक पेरेंटिंग पुस्तक है उसका, वैदिक पेरेंटिंग पुस्तक पढ़िए, उसकी शिविर है, बहुत सारा यूट्यूब में भी डेटा है। तो उसको घर पे आप क्या कर सकते हैं, क्या कितने बजे गुरुकुल की दिनचर्या एक गुरुकुल पुस्तक में से ले लीजिए, गुरुकुल शिक्षा पुस्तक मंगा लीजिए आप, उनकी हार्ड कॉपी है उसकी वो मंगा लीजिए, गुरुकुल शिक्षा हार्ड कॉपी, गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था की, और वो पूरी की पूरी आप एक बार पढ़ लीजिए पुस्तक, उसमें गुरुकुल की दिनचर्या लिखी है अंतिम पृष्ठ, वो पूरी की पूरी दिनचर्या को पढ़ आप उसके अनुसार बच्चों की दिनचर्या करें, बच्चों को जल्दी उठाए, बच्चों को स्वावलंबी बनाए, कपड़े धोने, तो क्या होगा पता है, इधर उसको आप अचानक वहां पर आप सब कुछ धो दे रहे, कपड़े धो दे रहे, उसका बर्तन धो रहे, उसको कुछ काम नहीं करने देते, यहाँ अचानक आएगा कपड़ा धोना उसके ऊपर, बर्तन उसके ऊपर, अपना बिस्तर अपना लगाना उठाना, वो रोएगा कि ये मैं क्या जेल में आ गया, क्योंकि वहां आपने आदत नहीं डाली, वहां तो चलो बेटा अच्छा अच्छा आप मत करो मैं कर देता, अच्छा आप मत करो, तो वहां राजकुमार के जैसा रखा आपने, और यहाँ उसको लगेगा क्या है ये गुरुकुल में तो मजदूरी ही मजदूरी है, क्या है यहाँ, तो वो भागेगा सीधा, रोएगा, वो रोकर आपकी याद आएगी कि रोज शाम को मैं तुझे याद। अभी बहुत बच्चे यहाँ आते थे मेरा, अभी एक बच्चा वहां पर कहीं गया है सीखने के लिए, मैंने कहा क्या, तो बोले मैंने कहा 3 गुरुकुल बदल दिए उसने, यहाँ पर आया था, मैंने कहा बड़े हो गए अभी नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है 2रे 3रे 4थे 5वें में गुरुकुल में अभी गया, वो यहाँ आना चाहता, मैंने कहा वो गुरुकुल आप आना चाहते हो, आपकी उम्र हो गई, मैं लेने को तैयार हूँ, लेकिन आप बताओ क्यों गुरुकुल छोड़े, वो बोले घर की याद आ जाती, तो मैं चला जाता था, मैंने कहा छुट्टी लेकर या ऐसे ही, बोले ऐसे ही, कभी छुट्टी लेकर कभी ऐसे ही चला जाता, घर की याद आ जाती थी तो चला, ये कोई जवाब हुआ। आप बच्चों को इतना सक्षम नहीं, मैं भी गुरुकुल में रहा हूँ और 1-2 नहीं 14 साल रहा हूँ, पहले याद आ जाती थी, रोने आ जाता, पहले रो लेते थे कभी कभी बहुत छोटे थे, उसके बाद तो पता चल गया कि ये पूरा का पूरा संसार ऐसा है, किसका रोए किसके बाद हंसे क्या हुआ, वो समझ आ गई है बच्चों में, ये समझ आ जाती है, हम उसके लिए क्लास लेते हैं। तो इसलिए बच्चों को कभी भी ऐसा न समझे, ऐसा मत बनाइए, हल्का फुल्का उसको रुलाना, उसको ये सब मत करिए, उसको उसको अपना काम खुद से करने दीजिए, उसको अनुशासन में कि अपना काम खुद करना है, इतने बजे उठ जाना है,
इतने बजे ये करना है, तो इसको इधर कठिन नहीं पड़ेगा, बाकी सब बच्चों को इधर कठिनता रोने ही लगती, थोड़ी कठिनता ही रोने। मैं कहा क्यों? बोले घर पे तो मम्मी कर देती, तो ऐसा होता है। तो ये ध्यान रखे, बच्चों को स्वावलंबन सिखाइए, बच्चों को अनुशासन सिखाइए छठे वर्ष से, उसको अनुशासन में रहना, समय से उठना, समय से सोना, तो गुरुकुल में कोई तकलीफ नहीं होगी। आप ये दिनचर्या पढ़कर फॉलो कराएंगे 100% गुरुकुल में उसको कोई तकलीफ, उल्टा आनंद आ जाएगा जी। अच्छा जी, 10:30 हो रहा है तो अभी हम लोग सिंगापुर में भी 1 बज गया है, तो कल रात को 9 बजे सांस्कृत सेशन है जी, आप जुड़ जाइए। कल नहीं, कल है परसों, कल कल है ना, कल है, कल है, कल है, कल है, कल बराबर, ठीक है। कल रात को 9 बजे हम लोग मिल रहे सांस्कृत में, फिर संडे है, 2 सेशन है, ठीक है। थैंक यू, शुभ प्रसाद करो, क्लोज कर सकते।